भूमि है, यहां भी उनकी परम तपस्वी तपोभूमि है। और इस परम पवित्र स्थल पर जो कि दारुक वन है, देवदार का पूरा जंगल है, जागेश्वर भगवान का, पाताल भुवनेश्वर का परम सानिध्य है, माँ पूर्णागिरी का सानिध्य है, इसमें इस पवित्र श्रावण माह में रामकथा का पूरा एक माह का अनुष्ठान, पूरे 30 जो मास पारायण है उनकी विशद व्याख्या का अनुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुभारती चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सभी अपने घर को मंगल भवन बनाएं, क्योंकि ये अनुष्ठान, ये कथा सबके जीवन को मंगल भवन मंगलहारी बनाती है। आपका जीवन, आपका घर और संपूर्ण विश्व मंगल में हो, इस भावना के साथ, कोरोना महामारी से सब मुक्त हो, इस भावना के साथ इस अनुष्ठान को किया गया है। आप सब इसमें सहभागी हो, चाहे यजमान रूप में, चाहे श्रोता रूप में, चाहे सबको, अपने मित्रों को और सबको, संबंधियों को भी इसकी सूचना दें, ऐसा मेरा निवेदन करते हुए अतुल कृष्ण भारद्वाज मैं आप सबको फिर से प्रणाम करता हूं। सबको हरिओम, राम राम। सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, श्री देवभूमि हिमालय की जय, अपने जागेश्वर धाम की जय, परम पूज्य परम तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है और कथा का दूसरा पुष्प भगवान के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। अभी अभी हमने सब देवताओं का आवाहन किया, मंगलाचरण किया, अब आवाहन के बाद देवताओं का पूजन करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी उपस्थित हैं।
पूज्य स्वामी कपिलेश्वरानंद जी महाराज, उनसे विनम्र निवेदन है कि पुष्पार्चन ग्रंथ पर करें, उसके पश्चात। दीप प्रज्वलन का मंत्र श्री राम कुमार जी। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मण समुखा अग्निर्जायत हस्तो वृक्षारणम्। ध्यान हो गया, अब तो केवल नैवेद्यम और दीप भी हो गया। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रार्थनां नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न सेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पूज्य महाराज जी यहाँ आए हैं तो मेरा निवेदन है कि आज विद्यार्थी भी इस समय उपस्थित हैं। अच्छा, 2 मिनट का आशीर्वचन। मुझे तो करना ही है महाराज जी, लेकिन आप दो शब्द बोलेंगे तो क्या आशीर्वाद होगा। जय 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 जय। आइए बड़े भाव से हम लोग द्वितीय सत्र की इस कथा में प्रवेश करें। पहले सत्र में मानस की महिमा, मंगलाचरण और उसका जो परिचय होता है वो हुआ। अभी जो दूसरे सत्र की कथा है इसमें उससे आगे बढ़ते हैं। जिनकी कथा सुनने हम बैठे हैं वो कौन है जो इस पूरे विश्व के मालिक हैं? अखिलम विश्वम यन माया वशवर्ति ब्रह्मादि देवासुरा, यानी ब्रह्मा तक जितने भी देवता हैं वो सब जिनकी माया के वश में हैं। इसको समझने के लिए भगवत गीता में अगर हम चलेंगे तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जब काल के बारे में समझाया, अर्जुन ने पूछा काल का डेफिनेशन, तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा के एक दिन में पृथ्वी पर 14 मन्वंतर होते हैं और प्रत्येक मन्वंतर में 71 चतुर्युगी होती है। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं अष्टाम विषम कलयुगे, तो 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो कोई कहे कि प्रलय आने वाली है तो प्रलय अभी नहीं आने वाली, क्योंकि अभी तो सप्तम मन्वंतर है, अभी तो ऐसे 7 मन्वंतर और हैं। यानी टोटल अगर उसका करेंगे तो लगभग 1,000 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 40 लाख वर्ष की एक चतुर्युगी होती है, जैसे 4,32,000 साल का कलयुग है तो उससे दुगुना द्वापर, उससे तिगुना त्रेता, उससे चौगुना सतयुग, ऐसे चारों को जोड़ देंगे तो 40 लाख वर्ष होते हैं। तो ऐसे 71 चतुर्युगी बीतने पर एक मन्वंतर पूरा होता है। तो भगवान ने कहा वो ब्रह्मा भी अपने 100 वर्ष पूरे करके समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा का काम खत्म, फिर मैं नए ब्रह्मा की सृष्टि करता हूं। इसलिए ब्रह्मा भी अपने आप में हमेशा नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो तो केवल परमात्मा ही है। तो इसलिए ये जो कथा है जो हम सुनने जा रहे हैं, जिनकी कथा है वो संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, ब्रह्मा तो एक ही ब्रह्मांड के होते हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड है अभी तक कोई जान तो पाया नहीं। वेदों ने भी अंत में पूरा प्रभाव गा के कहा नेति नेति, हम भी पूरा नहीं जान पाए, क्योंकि जहां तक हमारी बुद्धि की सीमा है, जहां तक हम सोच सकते हैं
उसके आगे फिर आप सोचेंगे उसके आगे क्या। जैसे आप सोचिए आपका ब्रह्मांड कितनी दूर तक है, तो फिर आप सोचेंगे उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो ऐसे परमात्मा का यजन करने के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। और इसमें सबसे पहले सात श्लोकों में नौ तत्वों का वंदन किया गया। वो नौ तत्व प्रथम श्लोक में मां सरस्वती गणेश जी, दूसरे श्लोक में भगवान शिव पार्वती, तीसरे श्लोक में गुरु, चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और हनुमान जी, और पांचवें श्लोक में भगवान श्री सीताराम जी। फिर उसके बाद उनका प्रभाव, रामायण को प्रणाम। उसके बाद पांच दोहों में हमारे पंच देवों का सुमरण किया गया। पहले दोहे में गणेश जी, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करि बर बदन, करउ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। दूसरे दोहे में सूर्य भगवान को, मूक होई बाचा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जा सुकृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। आप देखिए, आप सब जितना भी जितने भी लोग संध्या करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? भगवान सूर्य का, सविता देवता, तत् सवितुर वरेण्यम। भगवान को भी कहा गया कि भगवान का जो प्रकाश है वो सूर्य के बीच में जो मेन प्रकाश है, धे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सवित्र मंडल के भी जो मध्य में स्थापित है, ऐसे भगवान है। तो वो ऐसा उनका प्रभाव है कि वो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। यानी आज तक जितने ऋषियों ने गायत्री जपी, जितने ब्राह्मणों ने गायत्री जपी, उसके बल पर ही वो वरदान या श्राप देने में समर्थ हो पाए। एक बात मैं और आपको निवेदन करूं कि जो विषों विष होते हैं, विष जैसे किसी को सांप काट ले, बिच्छू काट ले, किसी को विष दे दिया जाए, तो विषों की जो चिकित्सा होती है वो 24 प्रकार से होती है आयुर्वेद के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार। लेकिन विष की जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है वो मंत्र चिकित्सा है। यानी 24 उपायों में से जो सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है वो मंत्र चिकित्सा का है। इसलिए लोग पहले अपना इतना ध्यान रखते थे खान पान का, पवित्रता का, जो नियम उन्होंने बनाए थे, क्या छूना क्या नहीं छूना, कहाँ बैठना, किस पात्र में खाना, जैसे रसोई का भी नियम था चौके में बैठ के खाना। तो वो जो पवित्रता के नियम है वो इसलिए है कि मंत्र आप जब जपते हैं तो मंत्र का प्रभाव वो तभी सुरक्षित रह सकता है जब आपकी पवित्रता सुरक्षित है। अगर पवित्रता भंग होती है तो फिर मंत्र का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता है। तो हमारे लोग मंत्रों से इलाज करते थे। मुझे पता है कि मेरे बाबा भी ऐसे कई चीजों को झाड़ देते थे। जैसे हमारे यहां से कोई भी कभी नाक का काटा हुआ ऐसे नहीं गया कि उसकी मृत्यु हो गई हो, अगर वो घर आ गया तो उनको ऐसा पता नहीं कौन सा मंत्र था, वो उससे झाड़ते थे और वो कान में एक जड़ी जैसी लगाते थे और वो आदमी ठीक हो जाता था। तो ऐसे भगवान सूर्य को प्रणाम किया, फिर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करउ सुमम ऊर्ध्वम सदा क्षीर सागर शयन। भगवान विष्णु सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर माने किसे कहते हैं? क्षीर माने दूध, दूध का सागर, दूध माने सात्विकता। श्रीमद् भागवत में भगवान की जितनी स्तुतियां की गई उसमें एक शब्द जरूर बोला गया, सात्वताम पतये नमः, सात्वताम पतये नमः। वो सतोगुण के मालिक है। जीवन में सतोगुण जितना बढ़ेगा उतना आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, फिर बड़ी से बड़ी टेंशन भी आपको दुख नहीं दे पाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा सुदामा का, तो सुदामा के बारे में जब परिचय दिया गया, कृष्ण स्याद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। अब इतनी गरीबी है सुदामा के घर में तो भी वो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत माने जिसको बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती, अशांत नहीं कर सकती, प्रशांत है, और इंद्रियों के अर्थों से बिल्कुल विरक्त है, इंद्रियों के विषयों पर ध्यान नहीं है, वहां से विरक्त है। मिल गया तो हो गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं।
उनके पास ब्रह्म विद्या का धन है, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। अगर ऐसा होता है तो आज भी भगवान ऐसे ब्राह्मण के चरण धोने को तैयार रहते हैं, इतना पवित्र यदि हो तो। तो सतोगुण जितना बढ़ता जाएगा उतने आप शांत होते जाएंगे, ये नियम है। भगवान ने भगवत गीता के 17वें और 18वें अध्याय में जो दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किया है उसमें बताया है कि कौन सी चीज सतोगुण है, कौन सी चीज तमोगुण है, कौन सी। अगर तमोगुण हमारे अंदर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, फिर ध्यान और भजन नहीं हो पाएगा। जैसे रावण कितना बड़ा विद्वान है, रावण से बड़ा कोई विद्वान हुआ उस, सबसे बड़ा विद्वान, इतना बड़ा विद्वान के सब देवताओं को वश में कर लिया, लेकिन रावण ने अपने व्यवहार से अपने अंदर तमोगुण बढ़ा लिया, मदरा पान करके, मांसाहार करके और बहुत सारी चीजों से तमोगुण। और जब भगवान राम आए तो देखिए, एक रामायण का बड़ा प्रसिद्ध कथा है कि भगवान को देखकर सबका मन निर्मल हो जाता है, लेकिन सुग्रीव को देखिए, सुग्रीव ने जब पहली दृष्टि से राम को देखा तो उसने कहा, पठे बाल होई मन मेला। हनुमान जी से कहा, लगता है ये दोनों कुवार जो आ रहे हैं इनको बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है, मेरे मन में मैल आ रहा है। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए जरा, पठे बाली होई मन मेला, भागो तुरत तजो यह सेना। मंच की आवाज बहुत अधिक है, इसको कम करें। भगवान को देखकर मनुष्य के मन में मैल आ रहा है, जबकि मन में मैल दूर हो जाता है, भगवान की कथा भी मैल दूर करती है, कल्मषाप हम कल्मष को हरने वाली है। और सुग्रीव कह रहा है, मैं यहां से भाग जाऊं, मुझे जल्दी से बताओ अगर ये वही है तो तभी तो हनुमान जी परीक्षा लेने गए। लेकिन रावण, रावण का ज्ञान देखिए कि रावण को जैसे ही सुपड़ खाने जाकर बताया कि खरदूषण का वध हो गया, तो रावण पहली नजर में समझ गया कि ये तो भगवान है, क्योंकि खरदूषण मोहि संबलवंता इन्हीं को मारे विदु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, इनको तो भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता, तो ये तो भगवान का अवतार हो गया। लेकिन अगले ही क्षण उसने मन में विचार किया कि अब मैं भगवान को भजन करके प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा देह तामसी हो गया, होई है ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र धृण एहा। तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, इसलिए भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं। ये श्लोक याद है ना आपको, सभी विद्यार्थियों को, आपने देखा है अगर अगर ये जो हॉल जिसमें हम बैठे हैं इसमें अगर एक नाग देवता प्रकट हो जाए तो क्या आप शांति से बैठ सकते हैं? अगर आप सोने, आप जहां सोते हैं वहां सोने वाले कमरे में एक नाग देवता आ जाए तो, और अगर बेडरूम के बेड पर ही आ जाए, कोई भी सो सकता है क्या? लेकिन दुनिया के सबसे बड़े नाग पर, जिस नाग के हजारों फन हैं, उस पर भी वो शांति से सो रहे हैं। ये उनके सोने का ही समय है, श्रावण का महीना, ये देवशयन चल रहा है इस समय। तो क्या उनसे पूछा, प्रभु आप नाग पर इतनी शांति से कैसे सोते हैं? भगवान ने कहा, क्योंकि मैं क्षीर सागर में रहता हूं। जिसके अंदर सतोगुण होगा वो बड़े से, नाग माने क्या होता है, नाग माने होती है टेंशन। हमारे यहां शास्त्र में चिंता को नागिन कहा गया, चिंता सांपिन को नहीं खाया। तो हमको कितनी टेंशन है, एक एक परिवार चलाने में इतनी टेंशन होती है। एक ग्रस्त से किसी से पूछिए कितनी उसे टेंशन देती है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और जिन्हें पीर सब घरन की, तो जय जय श्री रघुवीर। जो पूरे संसार का पालन कर रहे हैं, यानी चीटी का भी जो पालन कर रहे हैं, समुद्र के अंदर पृथ्वी से भी और हजारों गुनी प्रजातियां उनका भी पालन कर रहे हैं, लेकिन आनंद से सो रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो जिसका ध्यान करता है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन,
किसी ने पूछा, प्रभु आपका शरीर नीला कैसे हो गया, श्याम कैसे हो गया, सांवले कैसे हो गए? बोले मैं भगवान शिव का ध्यान करता हूं। वो नीलकंठ है ना, तो उनका ध्यान करके मैं उन जैसा होगा। शिवो भूत्वा शिवम, ये जो शिव का ध्यान करेगा शिव जैसा हो जाएगा। और भगवान शिव ने नारायण का ध्यान किया तो बिल्कुल कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो जैसा ध्यान करेगा। हमारे यहां हरिहर की बड़ी मान्यता है, हरिहर दोनों हरिहर है। तो भगवान विष्णु से हम ये सीख सकते हैं कि हम भी जितने सतोगुणी होते जाएंगे उतने अधिक शांत होते जाएंगे, उतने अधिक बिल्कुल सब प्रकार के तनाव से रहित होते जाएंगे। और उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम किया। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मयम। सबसे अधिक करुणावतारम, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ, ऐसे भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो, गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिए कितने भोले हैं। अभी सावन में बड़ा रुद्राभिषेक होता है ना, सावन में रुद्राभिषेक बहुत होता है। आदमी अपने घर के लिए जब दूध लेने जाता है मार्केट में या किसी डेयरी पर, तो भैंस वाले के सिर पर खड़ा रहता है जब वो दूध निकालता है कि कहीं ये पानी ना मिला दे। वो चाहता है कि मुझे बिना पानी का दूध मिले शुद्ध। लेकिन भगवान शिव पर जब चढ़ाने जाता है तो एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा दूध मिलाता है, तो भी भगवान शिव कभी नाराज नहीं होते। वो कहते हैं चलिए आप आए तो सही, इस बहाने मेरे पास तो आए। अच्छा कोई माँ बाप होते ना, उनके बच्चे उनके पास जाए तो माँ बाप को अच्छा लगता है, भले ही बच्चे उनके लिए कुछ करें या ना करें, बस माँ बाप के पास बैठे थोड़ी देर, उसी से उनका चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो भोलेनाथ तो इसी में प्रसन्न है कि आप चले गए, आपने जल चढ़ा दिया, भले आपने सादा जल चढ़ा दिया, इतने भोले देवता और कुछ भी देने को तैयार है। पूरी दुनिया को देते हैं, अपना कुछ है ही नहीं, स्वयं तो वैसे ही रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, लोग कहते हैं शमशान में रहते हैं, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। वो तो खैर रोम रोम में ही विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन बहुत भोले। और फिर गुरु को प्रणाम किया। आइए ऐसे पवित्र गुरु स्थान पर हम लोग हैं, गुरु चरणों का ध्यान करते हुए। बंदौं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर्णिकर। रविकर्णिकर माने सूर्य की किरणों के समान जिनके वचन मोह के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय कर देते हैं। ऐसे नर रूप धारण करके जो भगवान गुरु रूप में आए, मनुष्य का रूप धारण करके नर रूप हरि, इसके बहाने से गोस्वामी जी ने अपने गुरु को भी प्रणाम किया, क्योंकि उनके गुरु का नाम नर हरिदास जी महाराज। तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, उनके चरणों को प्रणाम किया। मानस की पहली चौपाई भी बंदौं गुरुपद पदुम परागा। ये लोगों ने पूछा कि आप ये जो गुरु के चरणों की रज का पूजन कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे आप, इस रज का क्या करेंगे? गोस्वामी जी ने कहा आंखों में काजल लगाऊंगा। बोले काजल से उससे क्या होगा? बोले नेत्रों के जितने दोष है ना वो सब समाप्त हो जाएंगे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमीय द्रग दोष विभंजन। लोगों ने कहा फिर क्या करेंगे? ये जो गुरु के चरणों की पूजा करते हैं, जो खड़ाओं की पूजा करते हैं, जो आपने देखा होगा ना गुरु के चरणों का पूजन करके, वो पैरों के अंगूठे का जो नाखून है, अंगूठे का नाखून, उस पर चंदन लगाते हैं, उसका पूजन करते हैं। तो लोगों ने गोस्वामी से पूछा ये गुरु के चरणों के जो पैरों के अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, इनके जो नाखून है, इनका पूजन क्यों करते हैं? गोस्वामी जी ने कहा इसमें से दिव्य ज्योति निकलती है। जरा भाव से मेरे साथ दोहराइए, बहुत प्यारी चौपाई। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य
सृष्टि ही होती सुमिरत दृष्टि होती उघर ही बिमल विलोचन नहीं है के कहीं दोष दुख भव रजनी के कहीं दोष दुख भव रजनी के उघर ही बिमल विलोचन नहीं के उघर ही बिमल विलोचन नहीं के। गुरु के जो चरण कमल की ज्योति है उसका जैसे ही आप सुमिरन करेंगे तो आपके हृदय में दिव्य दृष्टि आ जाएगी और आपके हृदय के नेत्र खुल जाएंगे। अब आप अगर किसी पढ़े लिखे आदमी से बात कहेंगे तो वो कहेगा कैसी बातें कर रहे हैं, हृदय में नेत्र कहाँ होते हैं? नेत्र तो यहां होते हैं, हृदय माने कहां होता है? आपसे कोई पूछेगा हृदय कहां होता है तो आप कहेंगे यहां होता है। ये जो हृदय है हमारा ये ब्लड प्यूरिफाई करने का है, शरीर में रक्त का संचार ठीक से हो उसके लिए हृदय है। लेकिन हमारे शरीर में केवल रक्त तो नहीं है, शरीर में विचार भी हैं, शरीर में वायु भी है, शरीर में अन्य चीजें भी हैं। उनको संचार का सिस्टम कहां से सेट होता है? इसलिए आयुर्वेद के मनीषियों ने और अधिक डीपली खोज की और महर्षि चरक ने जो सबसे पुराना ग्रंथ लिखा चरक संहिता उसमें 8 स्थानों पर हृदय बताया। इसलिए वो जो ग्रंथ है उसका नाम है अष्टांग हृदयम, आयुर्वेद का महाराज जी सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है अष्टांग हृदयम। तो हमारी खोपड़ी में जो विचार चलते हैं उन विचारों को संतुलित करने का काम, उन विचारों को प्रवाहित करने का काम जो हृदय करता है वो हृदय कहां पर है? वो यहां जहां आप तिलक लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र जहां हम ध्यान करते हैं, इसको परसेप्शन पॉइंट भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। यही हमारा तीसरा नेत्र है, इसलिए भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहां दिखाया जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उगर ही बिमल विलोचन ही के, जो सबसे शुद्ध नेत्र हैं हृदय के वो यहां खुलते हैं। कब खुलते हैं? जब गुरु की कृपा होती है। और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, आदमी को भव सागर की जो रात्रि है उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हमारे देश में एक शब्द चलता है भव, भव सागर, भव रोग, भव कूप, भव बंधन, भव रजनी, एक नया शब्द आ गया भव रजनी। ये भव क्या होता है? संस्कृत वाले विद्यार्थी तो भव को बहुत आसानी से जान सकते हैं क्योंकि किसी को आशीर्वाद जब गुरुदेव देते हैं तो कहते हैं आयुष्मान भव, किसी बहू को आशीर्वाद देंगे तो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ऐसा बोलते हैं ना, विद्वान भव, विजयी भव। तो भव माने बनो, भव माने बनो, ऐसे बन जाओ। तो ये जो बनने का सागर है यही तो सबसे गहरा है। अब जैसे आपका जन्म हुआ, जैसे कोई बच्चा जन्मा, तो बच्चे के जन्म के बाद जैसे वो थोड़ी शैतानी शुरू करता है तो माँ बाप कहते हैं अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो, कहते ना, फिर अब पढ़े लिखे बनो। और मन तो करता नहीं स्कूल जाने का, बच्चा स्कूल जाते पर रोता है लेकिन जबरदस्ती भेजा जाता है, नहीं पढ़े लिखे बनो, पढ़े लिखे बनो। ये पढ़े लिखे बनने के चक्कर में शुरू के बचपन के जो 15-16 साल मेहनत होती है, ये जो रेगड़ाई होती है, बनो बनो बनो, कितने नंबर आए, टेस्ट में कितने आए, फाइनल एग्जाम में कितने आए, अरे कितनी आफत है। ट्यूशन पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, वो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, और उसके बाद पता लगा हाई स्कूल, हाई स्कूल को तो ऐसे बताया जाता है जैसे महाभारत का युद्ध हो, लेकिन हाई स्कूल करने के बाद पता लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं बने अभी, अभी कोई ठीक सी नौकरी करने लायक तो हाई स्कूल से होते ही नहीं। फिर आप 12वीं करो, फिर आप ग्रेजुएट बनो, पोस्ट ग्रेजुएट बनो, बड़ी डिग्री लो,
उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं बने तो फिर क्या फायदा, तो कुछ बन के दिखाओ, होता है ना, कुछ बन के दिखाओ। अब कुछ बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, सिपाही बन गए, कुछ भी बन गए, तो फिर पति बनो, पत्नी बनो, फिर पति पत्नी बन गए तो उसके बाद मां बाप बनो, नहीं बन पाए तो बेकार। फिर बनते 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 ये तो हुआ पारिवारिक बनना, फिर हुआ आर्थिक बनना, अभी हम 100 रुपए वाले हैं, फिर 1000 रुपए वाले बने, फिर 1,00,000 रुपए वाले बने, फिर 1,00,000 रुपए वाले बने, फिर 1,00,000 बनते ही जाते हैं। अभी तक जो बनने की होड़ में वो बाहर थोड़ी हुए हैं, लगातार चल रहे। ऐसे गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की दौड़ होती है राजनीतिक क्षेत्र में, ये बनो ये बनो ये बनो। गुरु क्या करेंगे, गुरु कहेंगे सुनो सुनो, ये बनने में सारा ध्यान क्यों लगा रहे हो? अगर आप पति पत्नी बन गए हैं तो फिर आप मां बाप बनने की चिंता क्यों कर रहे हैं, वो तो आप बन ही जाएंगे। और अगर आप मां बाप बन गए हैं तो आपके बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो आप दादा भी बन जाएंगे, उसमें आप क्यों चिंता कर रहे हैं। अगर आप दुकान कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो धन तो आपके पास आ ही रहा है ना, तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत करते रहिए, फिर वो लखपति बनाए कि करोड़पति बनाए वो उसकी इच्छा है। तो गुरु क्या करता है कि आपका ध्यान बनने से हटाता है और बनाने वाले की ओर लगाता है। बात समझ में आ गई, आपके बनने से आपका ध्यान हटाता है और बनाने वाले की ओर लगाता है। कैसे लगाता है, जैसे जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े अब्दुल कलाम साहब थे, तो अब्दुल कलाम साहब एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, क्योंकि एयरफोर्स का पायलट जो होता है वो दुनिया में सबसे तेजस्वी होता है, क्योंकि उसको इतनी हाई स्पीड से विमान उड़ाते हुए और ठीक निशाने पर बम गिराना और दुश्मन का हमला भी झेलना, उससे भी बच के आना। अब ये रिटिन में पास हो गए, इंटरव्यू देहरादून में होना था, तो तमिलनाडु रामेश्वरम के रहने वाले थे, वहां से अब से 70 साल पहले कितनी धीमी ट्रेन होती थी, तो वहां से देहरादून आए, तो रामेश्वरम के पुजारी जी के ये बड़े प्रिय थे, तो उन्होंने इनको एक चिट्ठी लिख दी कि वहां ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी का आश्रम है, वहां रुक जाना। तो वहां रुक गए, तो वहीं से इंटरव्यू देने देहरादून गए। इंटरव्यू हुआ 4-5 दिन, उसमें ये फेल हो गए, क्योंकि उसमें बड़ा कठिन इंटरव्यू होता है, वो ऐसे बच्चे को ही लेते हैं जो इस मामले में बहुत स्मार्ट हो, इनकी बुद्धि तो वैज्ञानिक वाली थी, इसलिए वो तो जब फेल हो गए तो इनका सपना टूट गया और ये आश्रम में लौट कर आए, और आश्रम के ठीक नीचे सीढ़ियों पर गंगा जी बहती हैं, वहां बैठ गए और रोने लगे, और इनका मन कर रहा था कि मैं इसमें गंगा जी में कूद कर प्राण दे दूं, आत्महत्या कर लूं। तभी स्वामी शिवानंद जी आगे पीछे से, स्वामी शिवानंद जी बहुत पढ़े लिखे सन्यासी थे, उस समय 1940 ईस्वी में उन्होंने MBBS किया था, और देश में योग का तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो अब बाबा रामदेव कर रहे हैं, इससे भी बड़ा काम, यानी मुंगेर का जो योग विश्वविद्यालय है ये स्वामी शिवानंद जी के द्वारा स्थापित है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ द इंडिया उन्होंने सोसाइटी बनाई, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ द इंडिया, और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, दिव्य व्यक्तित्व उनका। तो स्वामी शिवानंद जी आए और उन्होंने उस बालक के हाथ सिर पर हाथ फेरा और अंदर ले गए, बेटे अंदर आओ। फिर बैठकर उनसे कहा, अच्छा ये बताओ आपका नाम अब्दुल कलाम है, आप रामेश्वरम में जन्म लिए, तो रामेश्वरम में जन्म लेने के लिए आपने भगवान के यहां कोई फॉर्म भरा था क्या? ये बोले नहीं सर, फॉर्म तो नहीं भरा। तो फिर आप मुस्लिम परिवार में जन्म लेंगे, इसके लिए कोई फॉर्म भरा? बोले नहीं सर। तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, इसके लिए फॉर्म भरा? बोले नहीं। तो फिर जब आपने कुछ भी फॉर्म भरा नहीं, तो आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि आप कब मरेंगे? जब आपने अपना जन्म निश्चित नहीं किया, तो आप अपनी मृत्यु निश्चित कैसे कर सकते हैं, और ये कैसे आप तय करेंगे कि आपको क्या बनना है? उसने जो सोचा होगा वो आपको बनाएगा। परमात्मा आपको पायलट बनाना नहीं चाहता, ये पक्का हो गया, और अब आप मेहनत करिए अपनी पढ़ाई में, वो जो बनाना चाहेंगे वो बना देंगे। उसके बाद कलाम साहब वहीं रुक गए और उन्होंने गुरुजी से भगवद गीता पढ़ी, कुछ दिन वहां रहे, और भगवद गीता ऐसी उनकी खोपड़ी में उतरी, इतना अच्छा अर्थ उनके समझ में आ गया कि उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं सन्यासी बनूंगा आपकी तरह। गुरुजी ने कहा, सन्यासी क्यों बनोगे? बोले गुरुजी भगवत प्राप्ति के लिए।
गुरुजी ने पूछा भगवान कहां नहीं है, ये जो पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है उसी से तो प्रकट हुआ है, तो उसकी गोद में ही तो आप हो। आप ऐसा करो बेटा, अच्छी पढ़ाई करो और उसके बाद भगवान जो बनाए तो संन्यास वृत्ति से ही वो सेवा करना, जो भी आपको भगवान बनाए उस संन्यास वृत्ति से सेवा करना। और हिंदुस्तान में भगवान ने आपको जन्म दिया है, भगवान का देश है, तो हिंदुस्तान की सेवा माने भगवान की सेवा। कलाम साहब को बात समझ में आ गई और फिर उन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग को टॉप किया और इतने बड़े वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन उनका नाम हुआ, परमाणु बम बनाया, ये बनाया वो बनाया ये सब। और देखिए आप भगवान ने उनकी कितनी चिंता की, इतनी चिंता आज तक किसी की नहीं की। भगवान ने उनकी इतनी चिंता की कि बिना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए वो देश के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। और आज तक देश के बच्चों में सर्वाधिक श्रद्धा अगर किसी राष्ट्रपति के प्रति है तो कलाम साहब के प्रति है। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने बनने से ध्यान हटाया और बनाने वाले की ओर लगा दिया। और जैसे बनाने वाले की ओर ध्यान लगा तो कितना व्यक्तित्व डेवलप हो गया, कितना व्यक्तित्व का विकास हो गया, कलाम साहब महापुरुष हो गए। यही तो काम गुरु करते हैं, इसको कहते हैं भव सागर से पार करना, ठीक है ना। तो उगर ही विमल विलोचन ही है के मिट ही दोष दुख भव रजनी के। जिस समय आपके ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, वैराग्य के नेत्र खुल जाते हैं, यानी हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, उस समय आप दुनिया के भव सागर से पार हो जाते हैं, अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कलाम साहब को मरते समय तक भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक कंठस्थ याद थे, यानी राष्ट्रपति भवन में लगभग 300 से ऊपर कक्ष हैं। तो राष्ट्रपति भवन में जब वो रहते थे तो मुगल गार्डन में उन्होंने सामने अलग से एक बांस की कुटिया बनवाई थी मणिपुर के लोगों के द्वारा, और उसमें गोबर का लेपन, मिट्टी का लेपन नीचे फर्श पे करके उस पर बैठते थे शांति से, यानी उसी में वो ज्यादा समय बिताते थे। इतने आध्यात्मिक, उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन सब दिव्य कामों में दान की गई। तो ऐसा जो जीवन बनाते हैं वो गुरु बनाते हैं, ऐसा मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे लाखों उदाहरण हैं देश के। महाराज जी बैठे हैं तो गुरु ने तो प्रेरणा दी, तो आज पूना में इतनी ऊंची पढ़ाई करके फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में है। तो ये गुरु करते हैं, हृदय के जो नेत्र खोलने का काम करते हैं गुरु करते हैं। हमारे ब्रज की माताएं जो है ना, एक गाली देती हैं, अब यहां की माताएं तो नहीं देती होंगी वो गाली, ब्रज की माताओं की एक बड़ी परमानेंट गाली है, क्यों भैया माथे की फूट गई तो का हिये की फूट गई का। इसका मतलब है वो जानती है कि दो आंखें माथे पर होती हैं और आंख हृदय में भी होती है। तो हृदय का नेत्र खुला यानी अध्यात्म का नेत्र खुला यानी ज्ञान का नेत्र खुला। तो ये ज्ञान का नेत्र गुरु खोलते हैं। और ये सावन का महीना झूला झूलने का महीना है, आज दूज है और कल हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज पर तो झूला पड़ता है। हम गुरु के आश्रम में बैठे हैं परम तपस्वी बाबा कल्याणदास जी के चरणों में, तो यहां उस हिंडोले में जरा झूलें ज्ञान के और भव सागर से पार करने का बोलें। तो झूला कैसे झूलेंगे, सभी विद्यार्थी थोड़ा खड़े होंगे तभी तो झूलेंगे, तो एक भजन जरा गुरु का खड़े होकर गाएंगे। आप खड़े हो जाएं सभी विद्यार्थी और जरा प्रेम से मेरे साथ ताली बजाकर गाएंगे। हमारे ब्रज का महाराज जी बड़ा सुंदर राग है मेघ मल्हार, उसमें वो भजन है बहुत आप। ए जी गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे। सदगुरु द्वार पे गड़ो है हिंडोला सदगुरु द्वार पे।
झूलते हैं तो सीधे खड़े थोड़े ही होते हैं, थोड़ा एक बार ताली इधर एक बार इधर, तो थोड़ा झूलते हुए बायां पैर दाई ओर दायां पैर बाई ओर, क्योंकि ये झूले जो हैं ये सावन में वृंदावन में पड़ते हैं। और हमारे कन्हैया देखें कैसे खड़े होते हैं, कभी सीधे खड़े नहीं होते, टेढ़े खड़े होते हैं, एक पैर टेढ़ा करके। गैड़ो है ही टोला सतगुरु द्वारे लगाकर, तो वो पूछ रहे हैं, ये बड़ा आध्यात्मिक गीत है कि काहे के खंबे हैं, काहे की डोरी है और काहे की पटुली है जिस पर बैठ के झूला जाता है। तो सत्य के खंभा गरम की लागी डोरियां जी, सत्य के खंभा गरम की लागी डोरियां जी, ए जी कोई ज्ञान की हम पटोली लगा गड़ो है ही डोला सदगुरु द्वार पे जी, गड़ो है ही डोला सदगुरु द्वार पे जी, जी कोई झूले हमें कोई झूले संत सो झूलता जी, गुरु झूला पे जो
आपके घुटनों को भी बड़ा आनंद हुआ होगा, लगातार बैठे बैठे घुटने थोड़े। गुरु के झूले पर, ज्ञान के झूले पर जो झूलेगा, सत्य के झूले पर, धर्म के झूले पर, वो भवसागर से पार जाएगा। तो गुरु का एक ही काम है कि वो आपकी दृष्टि को 180 डिग्री के एंगल पर मोड़ देता है, यानी 180 डिग्री के एंगल पर मोड़ देता है। वो कह रहा है इधर मत देख, इधर देख, जो बन रहे हो उसे मत देखो, जो बनाने वाला है उसको देखो। क्योंकि आपको किस परिवार में जन्म दिया या आपने तय नहीं किया, आपके माता पिता भी तय करने वाला वो है। आपको कौन से गांव में जन्म लेना ये भी उसने तय किया, कौन सी डेट में लेना वो भी उसने तय किया। आपके माथे पर जन्म के दिन ही लिख दिया गया कि आपकी मृत्यु भी कब हो जाएगी। इसलिए जो कदम कदम पर उसकी कृपा का अनुभव करते हैं और जिनकी दृष्टि उनकी ओर होती है, वो कहां भवसागर में परेशान होंगे। ये दृष्टि देने वाले कौन है? गुरु। और जैसी होती है दृष्टि वैसी होती है सृष्टि। इसलिए जो गुरु तत्व है वो मृत्यु के बाद भी, मान लीजिए शरीर छूट भी गया तो भी, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी 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 की बात है, 20-25 साल हुए हैं। 1904 में, शायद 1904 में ही शिकागो में विवेकानंद जी का भाषण हुआ था जो सबसे हिट हुआ था। तो जब 2004 आई तो 2004 में रामकृष्ण मिशन ने, विवेकानंद केंद्र ने उनके भाषण का शताब्दी वर्ष मनाया। यानी पहली बार ऐसा हुआ जब किसी के भाषण की भी शताब्दी बनाई गई हो। तो जब भाषण की शताब्दी मनाई गई तो उसमें एक चित्र प्रकाशित किया और वो चित्र शिकागो का ही था। जिस समय वो शिकागो में भाषण कर रहे थे तो सामने जितने श्रोता बैठे थे, उन श्रोताओं में एक श्रोता ऐसे थे जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और जो वक्ता बोलते थे उनका वो एक चित्र बना लेते थे। बोलते बोलते, ऐसे बहुत सारे कलाकार होते हैं, बोलते बोलते आपका स्केच बना देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद भाषण कर रहे थे और सामने बैठे हुए वो उनका चित्र बना रहे थे। बनाते बनाते वो बड़े भावुक हो गए। अब उस समय तो मंच पर नहीं जा सकते थे स्वामी जी के पास, एक प्रोटोकॉल था। लेकिन जब भाषण पूरा हो गया, स्वामी जी अपने आवास पर चले गए, तो वो शाम को उनसे मिलने गए और उनको चित्र भेंट करने गए। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी मैं जब आपका चित्र बना रहा था तो आपके पीछे, जब आप माइक पर बोल रहे थे तो आपके पीछे एक छोटी सी दाढ़ी वाले सज्जन इसे दोनों हाथ करके खड़े थे, वो कौन थे? वो कहीं दिखाई नहीं पड़े उसके बाद ना उससे पहले। स्वामी जी ने कहा वो सज्जन कोई नहीं थे, वो क्या हुआ लूजिंग तो है लेकिन माइक में आवाज क्यों आ रही? स्वामी जी ने पूछा कि वो मेरे आगे तो कोई नहीं था, मेरे पीछे भी कोई नहीं था, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे पीछे क्या है? कुछ नहीं, दीवार है, चित्र है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके पीछे खड़े थे वो दोनों हाथ ऐसे करके। स्वामी जी ने कहा चित्र दिखाओ तो पता लगे कौन थे। जब चित्र दिखाया तो स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो कई वर्ष पहले स्वर्ग सिधार गए थे, वो शिकागो में आशीर्वाद देते हुए खड़े थे पीछे। यानी 20,000 किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार, सदगुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहा था और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण स्वामी विवेकानंद की पूरे विश्व में जय जयकार हुई। तो ये जो सदगुरु की कृपा है, ये जो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य चेतनाएं हैं, ये शरीर रहता है तो भी और शरीर नहीं रहता तो फिर और अधिक प्रभाव के साथ आपको आशीर्वाद देती है। ऐसे समस्त सदगुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरु का एक ही काम है कि आपके हृदय के नेत्रों को विमल कर देना, उनको खोल देना, जिससे कि आप भवसागर के दोषों से पार हो सकें।
भवसागर की रात्रि का अंधेरा आपको ना घेर सके, आप सदैव प्रकाश में रहें। असतोमा सदगमे, तमसोमा ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मा अमृतम गमे। ये जो काम करते हैं ये गुरु करते हैं। ऐसे गुरु को प्रणाम किया। और आज मंगलवार का दिन है, हम लोग एक बार श्री हनुमान जी के चरणों में भी प्रार्थना करें, क्योंकि वो आप जानते हैं सात चिरंजीवियों में से एक है। व्यास जी, अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, ये सब चिरंजीव है ना। और हनुमान जी तो अमर है, क्योंकि माता जानकी ने उनको आशीर्वाद दिया था, आप अमर हो गए, आप कभी बूढ़े नहीं हो गए। ऐसे गुरु अगर और कृपा करें हमारे ऊपर, जो अमर भी हैं और युवा भी हैं, कभी बूढ़े ही नहीं होते। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से क्या मांगा? उन्होंने कहा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। पहले क्या मांगा? पहले बुद्धि नहीं मांगी, पहले बल मांगा। नंबर एक पर बल, बल की उपासना। क्योंकि आप कितने भी बुद्धिमान हैं, एक बलवान आके 100 बुद्धिमानों को भगा देता है। ये जो 100 के 100 बुद्धिमान है ना, घर में घुस जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुभव किया ना, हम कितने बड़े विद्वान थे। काशी ज्ञान की राजधानी थी, पूरे देश में हर गांव में एक से एक बड़ा विद्वान बैठा था, लेकिन फिर भी हमारी गर्दनों पर इतनी तलवार चली। क्यों? क्योंकि हमने बल की उपेक्षा कर दी। कोई आया तो पूरे के पूरे गुरुकुल चलाता जलाता चला गया। बख्तियार बिन खिलजी कुल 14 घुड़सवारों के साथ आए, नालंदा के विश्वविद्यालय में आग लगा दी उसने। दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च के ग्रंथ जहां रखे थे, उस समय तो मशीनें भी नहीं थी, उस समय तो किताबों के बहुत सारे संस्करण भी नहीं छपते थे, एक दो कॉपी होती थी। वहां का लाइब्रेरियन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा, इसमें दुनिया की सबसे अधिक बौद्धिक संपदा है, सबसे सुंदर ज्ञान के ग्रंथ है। उसने कहा, कोई ज्ञान का ग्रंथ नहीं, हमारी जो धार्मिक पुस्तक है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। आग लगा दी, 6 महीने तक आग धधकती रही, कोई बुझाने वाला नहीं आया। तो नालंदा विश्वविद्यालय जहां पर था, उस स्टेशन का नाम आज भी बख्तियारपुर है, बख्तियार बिन खिलजी के नाम पर। ये हमारी बौद्धिक गुलामी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, पहले बल। इसलिए उन्होंने पूरे देश में अखाड़े चलाए। पूरे देश में जो विद्यार्थी काशी से पढ़ कर गए, सबने अपने अपने गांव में अखाड़ों की स्थापना की। फिर बुद्धि, फिर विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। तो गुरु को प्रणाम किया। गुरु महिमा का सबसे सुंदर अगर वर्णन किसी से सुनना हो तो वो राजा दशरथ के मुख से सुनिए। राजा दशरथ ने कहा कि गुरु महिमा का मुझसे बड़ा अनुभव किसी को नहीं हो सकता। मुझे परमात्मा मेरे आंगन में पुत्र बनकर खेला, ये मेरे गुरु की कृपा हो। मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। गुरु के चरणों की रज का पूजन करके मैंने सब प्राप्त कर लिया, यहां तक कि परमात्मा को भी पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। अच्छा, रामायण की जो सबसे प्रसिद्ध चौपाई है वो कौन सी है? द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। सब लोग प्रार्थना करते, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ जी का नाम लेते हैं। अजिर माने क्या होता है? अजिर माने कहते हैं आंगन।
दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले परमात्मा, आपने उनके आंगन को तो मंगल भवन बना दिया, हमारा घर कब मंगल भवन बनेगा? जब आप हमारे घर में आएंगे तभी तो। तो अपने घर में यदि आप परमात्मा की कृपा बरसाना चाहते हैं तो उसके लिए दशरथ जी के ऊपर जैसे गुरु की कृपा हुई, तो जिनके ऊपर गुरु की संत की कृपा होती है तभी भगवंत कृपा करते हैं। तो गुरु को प्रणाम करने के बाद उन्होंने देश के संतों को प्रणाम किया। आइए संतों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये तो संतों की ऋषियों की विशेष भूमि है हिमालय। गोस्वामी जी ने कहा कि संत जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग होते हैं। मुद मंगल मय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भगति जय सुर सरि धारा, सर सहि ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन वरनी। प्रयागराज के बारे में कभी सुना है विद्यार्थियों? प्रयागराज जानते हैं? इलाहाबाद का नाम तो सुना होगा, इलाहाबाद को ही तो प्रयागराज बोलते हैं। पहले जब हम लोग गुलाम थे तो उसका नाम प्रयागराज से इलाहाबाद कर दिया गया अकबर के जमाने में, अब फिर योगी जी आए तो उन्होंने फिर प्रयागराज कर दिया। प्रयाग, याग मीन्स यज्ञ, तो प्रा साथ में लग गया तो सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे महान यज्ञ, सबसे प्रथम यज्ञ। यज्ञों में भी जो प्रवर है वो सबसे बड़ा यज्ञ, और सबसे बड़े यज्ञों का राजा वो प्रयागराज। राजा कैसे बनता है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। 5 वर्ष बाद वोटिंग होती है, गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, वोटों से ही चुना जाता है। तो जैसे मनुष्यों में वोटिंग होती है वैसे तीर्थों में भी वोटिंग होती है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धालु कौन से तीर्थ पर आते हैं? प्रयागराज। हर साल माघ मेले में लगभग 3-4 करोड़ लोग, हर 6 साल बाद अर्धकुंभ में, पिछले अर्धकुंभ में तो 10 करोड़ तक हो गए थे, लेकिन 10 करोड़ तक लोग कुंभ के मेले में आते हैं, उसको महाकुंभ बोलते हैं। क्या करने आते हैं? एक डुबकी लगाने आते हैं। काहे में डुबकी लगाते हैं? संगम में। काहे का संगम है? गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा जी कौन है? भक्ति की धारा, भगवान शिव की जटाओं से जो निकली भक्ति की धारा। सरस्वती कौन है? ज्ञान की धारा। और यमुना जी कौन है? कर्म की धारा। कर्म कथा रविनंदनी बरनी, सूर्य पुत्री यमुना कर्म का संदेश देती है। तो एक ज्ञान है, एक कर्म है और एक भक्ति है। ज्ञान कहां रहता है? आपके बुद्धि के अंदर। जैसे भक्ति तो दिखाई पड़ रही है, आपने तिलक लगा लिया तो पता लग गया आप भगत हैं, आपने वेश पहन लिया, माला पहन लिया आपने, जो भी, तो भक्ति के लक्षण होते हैं। कर्म भी सामने दिखाई पड़ता है व्यक्ति का, लेकिन ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए सरस्वती वहां अदृश्य है, क्योंकि वो विचार के रूप में, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा यमुना दिखाई पड़ती है। तो ध्यान रखना, आप विद्यार्थी हैं, आपको आगे बढ़ना है, आप ये देखिए कि दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है। जब आप अपने यज्ञ, किस लिए होता है? पवित्र करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होंगे? जब आपके जीवन में गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो जाए, यानी आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, यानी मैं कौन हूं, परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा के सिस्टम के बारे में भी जानकारी हो जाए, और आप उससे जुड़ भी जाए। कई लोग जानते तो हैं लेकिन जुड़ते नहीं है, जीते नहीं है जीवन में। जो लोग जीवन में जीते हैं
और भगवान से अपने मन को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने को कहते हैं भक्ति, और जीवन जीने को कहते हैं कर्म, वैराग्य। यानी परमात्मा के अनुभूति के साथ जो जीवन जिया जाता है उसको वैराग्य कहते हैं। यानी ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम जो जीवन में करता है उसको संत कहते हैं। तो हमारे देश में जितने भी संत आपको दिखाई देंगे उनमें आप देखेंगे ज्ञान भी बहुत होगा, भक्ति भी होगी, और उनका कर्म भी ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि वास्तव में ये भगवान के भक्त हैं। तो ऐसा जो संत होता है वो चलता फिरता प्रयागराज होता है, जो भी उसके संपर्क में आता है वही धन्य हो जाता है। और ऐसे संत का संपर्क उसी को प्राप्त होता है जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, उसी के अंदर जागृत होता है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बुध मंगल में संत समाधु, जो जग जंगम तीरथ राजु। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ आप सबने किया होगा कभी, तो ये चौपाई किसने बोली? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, ये चौपाई बोली विभीषण ने। जब हनुमान जी लंका में मिले तो विभीषण ने कहा आज मुझे भरोसा हो गया कि वो मुझे भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि संत मिल गए। संत का मिलना माने भगवान से मिलने की गारंटी। जैसे अगर आप नारद जी अगर आपको मिल जाए तो भगवान का दर्शन निश्चित रूप से आपको करा देंगे। संत का मिलना माने भगवंत मिलन की गारंटी। तो विभीषण ने तो हनुमान जी को संत कहा और भगवान श्री राम ने विभीषण को संत कहा। जब विभीषण भगवान की शरण में आया रावण की लात खाके, कई बार संत की बात से नहीं जागता आदमी। उसने कहा तो सही कि आप मुझे मिल गए, संत हैं, ये हैं, वो हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी की, लेकिन राम जी की सेवा में नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छी बातों से समझ में नहीं आता, जब संसार के अनुभव की ठोकर लगती है तब उसकी आंखें खुलती है। तो जब रावण ने लात मारी तो भगवान की शरण में आया, था तो बहुत अच्छा आदमी, तो भगवान ने उसको संत कहकर संबोधित किया। देखिए आप ध्यान से, विभीषण कैबिनेट मंत्री है, लाल बत्ती की गाड़ी में चलता है, समस्त राजकीय सुख सुविधाओं में रहता है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम बहुत बड़े संत हो, आप जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं। बड़ी प्यारी चौपाई है, मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी इस चौपाई को दोहराएं। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, सारी के गाइए संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जंगम राजू। भगवान श्री राम विभीषण को संत कह रहे हैं क्योंकि इतने लंका के पाप के वातावरण में भी विभीषण का परिवार कैसा है कि विभीषण की जो पुत्री है, एकमात्र पुत्री त्रिजटा, वो जानकी जी की सबसे अच्छी सहेली है। यानी पूरी लंका में जानकी जी जो एक वर्ष रही अशोक वाटिका में, तो जानकी जी ने किसी से कभी कोई बात नहीं की, केवल किन से बात करती थी? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। बड़ा विवेक था उसमें, विवेक माने ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों जब मिलते हैं तो उसको विवेक कहते हैं। और विवेक कैसे मिलता है? सत्संग से। अब जिस पुत्री को इतने विद्वान पिता का संगत मिली हो तो पुत्री तो विद्वान होगी, है राक्षस कुल की, विभीषण की पुत्री है, लेकिन राम चरण रति, जिसका प्रेम राम जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में जिसका लगाव है। तो त्रिजटा विभीषण की पुत्री है
और विभीषण के पुत्र का नाम क्या है? विभीषण के पुत्र का नाम है मत्स्य गजेंद्र। विद्यार्थियों, आपने कभी मत्स्य गजेंद्र का नाम सुना है? यहां भी कोई बैठे क्या? मत्स्य गजेंद्र, मत्स्य गजेंद्र मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, आजकल अयोध्या के कोतवाल हैं। जैसे काशी के कोतवाल कौन है? काल भैरव। जैसे काशी के कोतवाल काल भैरव हैं, वैसे अयोध्या के कोतवाल मत्स्य गजेंद्र हैं। अयोध्या में एक स्थान है महाराज जी, विभीषण कुंड, वहीं मत्स्य गजेंद्र का मंदिर है। अगर अयोध्या की यात्रा करते समय व्यक्ति मत्स्य गजेंद्र का दर्शन नहीं करता तो उसका फल अधूरा रह जाता है। ये मत्स्य गजेंद्र जब रावण का पाप बढ़ा तो उसने लंका छोड़ दी। उसने कहा मैं ऐसे दुष्टों के साथ नहीं रहूंगा, और उसने चित्रकूट में आके इतना भारी तप किया कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। इसलिए चित्रकूट में रामघाट के किनारे जो भगवान शिव का मंदिर है, जो चित्रकूट के राजा माने जाते हैं, उनका नाम है मत्स्य गजेंद्र नाथ स्वामी। उनको लोकल भाषा में कहते हैं मत्स्य गजेंद्र स्वामी, मत्स्य गजेंद्र। और भगवान श्री राम उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको बाद में अयोध्या का कोतवाल बनाया। यानी विभीषण की बेटी भी परम भक्त है, विभीषण का बेटा भी परम भक्त है, विभीषण की पत्नी भी परम भक्त है, और विभीषण भी इतने घोर लंका के वातावरण में भगवान की पूजा करता है। तो संत बनने के लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता, हाँ संन्यास लेना हो तो अलग बात है। हमारे देश में रहीम हुए, वो गवर्नर थे, उनको संत कहा गया। कबीर हुए, वो कपड़ा बुनते थे, उनको संत कहा गया। हमारे यहां सेन नाई हुए, सदन का सब, कितने संत हुए। यानी जिन्होंने भी ज्ञान भक्ति और वैराग्य का प्रचार किया पूरी दुनिया में, लोगों को परमात्मा की ओर बढ़ाया, लोगों में विवेक का जागरण किया, वो संत हुए। ऐसे संतों को प्रणाम किया। आप सभी बच्चे भी और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, आप कुछ भी काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे खेती करते हो, प्रत्येक काम करते हुए व्यक्ति संत हो सकता है। तो ऐसे संतों को प्रणाम करने गोस्वामी जी, और भगवान तो संतों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। आइए जरा संतों की महिमा का एक भजन हम लोग गा लें भाव से। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भूल जाएंगे तेरे भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी, भूल जाएंगे तेरे भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। ये पुण्य कमाई क्या होती है? जब आपके हाथ से सत्कर्म होता है तो पुण्य बढ़ते हैं, और जब आपके हाथ से खराब कर्म होता है तो पाप बढ़ते हैं। तो पुण्य का फल होता है सुख, और पाप का फल होता है दुख। यही तो होता है। स्वर्ग और नरक कोई ऊपर थोड़ी होते हैं, स्वर्ग और नरक सब यही होते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो नरक में होते हैं, जब हम सुख में होते हैं तो स्वर्ग में होते हैं। अब ये कौन बताएगा आपको कि आपको क्या सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म कौन सा, बुरा कर्म कौन सा? तो जिसको अच्छा व्यक्ति मिलता है उसी को अच्छे कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जितना आप अच्छे संतों का संग करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए कितने भी प्रवचन सुन लीजिए, कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव संगत का पड़ता है। जैसी संगत
वैसी रंगत संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जन्म के दोष छुड़ावे, जन्म जन्म के दोष छुड़ावे, मिट जाए कुल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए कुल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई वाल्मीकि नारद भंजोनी, वाल्मीकि नारद भंजोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, निज निज मुखन कही निज होनी, बिनु सत्संग विवेक न होई, कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव मीरा पहलाद की बन गई, नरसी और रवि दास की बन गई, नरसी और रवि दास की बन गई, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे अच्छी बनेगी, जागेश्वर में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जागेश्वर में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
चरण अनुराग रे। बोले संत भगवान की जय। साधुओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुण में फल जासु। कपास का जो फूल होता है, कपास का फूल जिससे रुई बनती है, उसमें ना तो कोई खुशबू है, ना तो कोई रस है, ना तो उसमें, लेकिन वो सबसे ज्यादा परोपकार करता है, क्योंकि उसी रुई का कपड़ा बनता है और वो सबके तन ढकने के काम आता है। जाड़े में हम उसी की रजाई ओढ़ते हैं। स्वयं वो कितना कष्ट झेलता है, रुई को उस पर काता जाता है चरखे पर, आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसको रुई को बिल्कुल धागा बना दिया जाता है, फिर धागे को भी बुन के, तो जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जे ही जग जस पावा। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करता है उसको साधु कहते हैं। तो ऐसे साधु संतों को, सब दिव्य को, दिव्य लोगों को प्रणाम करके गोस्वामी जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है, क्योंकि दुष्ट भी भगवान के बनाए हुए हैं। परमात्मा की सृष्टि में इलेक्ट्रॉन भी है तो प्रोटॉन भी है, तमोगुण भी है तो सत्वगुण भी है, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहि पै परिहर बारी विकार। परमात्मा ने तो गुण और दोष मिलाकर सृष्टि बनाई है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो संत हैं, वो हंस की तरह गुणों को चुन लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। इसे सबको प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके अब गोस्वामी जी भगवान के पावन नाम को प्रणाम कर रहे हैं। सबको प्रणाम करके उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि के कण कण में परमात्मा ही विद्यमान है। आपको अलग अलग रूपों में खेलता दिखाई पड़ेगा। आप कहेंगे सब में, वो कहेंगे हाँ सब में, तो आप कहेंगे ये जो मदरा की दुकान है इसमें भी है, ये जो पीने वाले हैं इनमें भी है, बोला इनमें भी है, वहां वहां तीन गुणों है, तीन गुणों की सृष्टि बनाई ना भगवान ने, तो वहां तमोगुण खेल रहा है। कहीं आप संतों को देखेंगे तो वहां सत्वगुण खेल रहा है, और बड़े संत को वीतराग के पास आप जाएंगे तो वहां निर्गुण है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। और जितना भी बाकी संसार दिखाई पड़ेगा, जो फाए फाए कर रहा है, 24 घंटे दौड़ रहा है कमाने के लिए, कोई वोट लेने के लिए, कोई यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए, वो सब रजोगुण खेल रहा है। तो यही तीन गुण पूरी सृष्टि में खेल रहे हैं, आप जहां भी देखेंगे। इन तीनों गुणों में से अपने को कौन से गुण की ओर बढ़ना है वो अपने को तय करना है। तो ये शास्त्र इसीलिए होता है कि हमारा जीवन सत्य की ओर बढ़े, सत्यम परम धीमही, और हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने। तो सबको प्रणाम करके और पूरे सृष्टि को एक साथ प्रणाम किया एक चौपाई से। आप सबको वो चौपाई याद भी होगी, एक बार मेरे साथ भी निवेदन में कर रहा हूं, सब लोग गाने की कृपा करें। सिया राम मैं सब जग जानी, जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और फिर भगवान के पूरे परिवार को, पूरी अयोध्यापुरी को, सबको प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी। इतना प्रणाम दुनिया के किसी ग्रंथ में किसी ने नहीं किया। पूरी दुनिया के किसी भी ग्रंथ को आप देख लीजिए, इतना प्रणाम किसी ने नहीं किया। शुरू के महाराज जी 40 दोहों तक प्रणाम ही प्रणाम है। अच्छा, प्रणाम कौन करेगा? ज्यादातर आप दुनिया में देखिए कि जो जितना बड़ा होता जाएगा वो सोचेगा सब मुझे प्रणाम करें, लेकिन जो जितना विनम्र होता जाएगा वो सबको प्रणाम करेगा।
गोस्वामी जी कितने विनम्र हैं कि वो सबको सीए राम में सब जगह, उन्होंने कहा कि जिसके मुंह से एक बार भगवान का नाम निकले, अगर मेरे शरीर के चमड़े का उसके पैर का जूता भी बन जाए तो भी मेरा सौभाग्य है। इतनी भावना, इतनी श्रद्धा। इसलिए आज अगर आप वर्तमान युग में देखें और आपसे कोई पूछे कि भाई वर्तमान युग के सबसे बड़े ऋषि कौन है, तो कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। वर्तमान युग के, ये जो युग चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म हैं और उनके जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का मिलाकर जितना पाठ होता है उससे कई गुना पाठ अकेला रामचरितमानस का होता है। ये गोस्वामी जी की महिमा है। दुनिया का कोई वक्ता बोलेगा, मैं तो खैर रामकथा ही बोल रहा हूं तो मैं तो चौपाई गाऊंगा ही, लेकिन आप किसी भी वक्ता को सुनेंगे, भगवत गीता पर बोले चाहे भागवत पर बोले, किसी वो बिना चौपाई के नहीं होता। जैसे भगवान को भोग लगता है तुलसी दल डाल के, वैसे ही वाणी का भोग लगता है तुलसी की चौपाइयों से। तो इतनी बड़ी उन, तो परमात्मा बढ़ाते ना, जैसे रामायण तो हजारों लिखी गई लेकिन भगवान ने तुलसीदास जी को ही बढ़ाया। चूंकि आपके, आपका कितनी विनम्रता है उसके अनुसार परमात्मा आपको बढ़ाते। राम बढ़ाए सो बढ़े, आपन बढ़े ना कोई। तो सबको प्रणाम करके वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण को प्रणाम कर रहे हैं। लोगों ने पूछा महाराज जी इसमें क्या है, बोले बस वैसे ही हमने तो लिख दी, स्वांता सुखाए गावे तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद के लिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भगवान का नाम है। एही में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। काशी के पंडितों ने पूछा ये जो राम का नाम आपने इसमें रखा, इसको गाता कौन है? बोले बाबा विश्वनाथ गाते हैं, महादेव। फिर दूसरी चौपाई बोली, मंगल भवन अमंगल हारी, वासहित जेही जपत पुरारी। स्वयं भगवान शिव मां पार्वती के साथ इसका गायन करते हैं। हमारे संत एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान शिव को ये नाम क्यों गाते हैं? बोले भाई उसकी कुछ ना कुछ महिमा जानते होंगे तभी तो गाते हैं। आपको अगर किसी चीज की महिमा ना हो, मान लो सिर का दर्द हो आपको और आप माई के पास जाएं, कहें माई दवाई, तो माई जो दवाई देंगी वही तो देंगी जो आपके सिर का दर्द दूर हो। तो माई को पता है कि इस दवाई की ये महिमा है कि ये इस चीज को दूर करती है। तो जो भी आप दुनिया में जिसको भी मानते हैं वो महिमा के कारण मानते हैं। किसकी कितनी महिमा है, तो नाम की कितनी महिमा है ये भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि नाम की कितनी महिमा है। बोले नाम की इतनी महिमा है कि कालकूट जैसा विष मैंने कंठ में धारण किया फिर भी मैं आराम कर रहा हूं। जिस समय, ऐसा संत लोग सुनाते हैं कि जिस समय देवासुर संग्राम चला और सागर मंथन हुआ, उसमें से विष निकला और विष कौन धारण करे, हलाहल विष था भयंकर। जैसे आप समझते ना आजकल जो रेडिएशन है, अब रेडिएशन क्या है, विष है। और रेडिएशन इतना भयंकर होता है कि अगर जितने परमाणु रिएक्टर इस समय महाराज जी पूरी दुनिया में अगर ये फट जाए, या जितने परमाणु बम देशों ने बना रखे हैं, तो पृथ्वी का हजार बार विनाश हो जाएगा। अभी जरा सा एक लैब से एक वायरस लीक हो गया, चाइना की लैब से एक वायरस लीक हो गया छोटा सा, जिसको आपने नोबेल कोरोना वायरस कहा। ये कोरोना वायरस तो 100 साल से था, लेकिन ये जो लीक हुआ ये सिंथेटिक था, ये बनाया हुआ था, इसलिए इसको नोबेल कोरोना कहा गया। ये 19 में लीक हुआ। तो नोबेल कोरोना वायरस ने कितना हाहाकार मचा दिया, अभी तक हाहाकार मच रहा है। अभी भी उत्तराखंड में आप प्रवेश करेंगे तो पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। इस विष को कौन धारण करे,
उनसे कहना कि भगवान का प्रसाद है। अब कोई भी जो आध्यात्मिक विभूति है प्रसाद को तो मना कर ही नहीं सकते। देवता गए और उन्होंने महादेव के आगे कलश रखा। महादेव ने पूछा क्या लाए, बोले प्रसाद। अच्छा प्रसाद लाओ लाओ लाओ। प्रसाद लिया, गट 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 गट, देवता वहीं कलश छोड़ के भागे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ महादेव को, पिला दिया, बोले हाँ पिला दिया। फिर क्या हुआ, बोले हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उत्तराखंड पुलिस आ जाती तो हम तो भागा है, कार्रवाई हो जाती। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, देख कर आओ, हो सकता है कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना पड़े, कहीं लेके चलना पड़े। अरे देख कर तो आओ क्या हुआ विष का प्रभाव। जब दोबारा देखने गए तो महादेव आनंद के साथ बैठे, अपनी माला जप रहे, मुस्कुरा रहे। वो तो प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम, कंठ में नीला विष भरा हुआ है तो भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। ये नीलकंठ महादेव की घटना है। ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ महादेव का स्थान है। देवताओं ने पूछा बाबा संसार का आदमी एक सल्फास की गोली भी खा ले गलती से, तो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बचा पाते, और आपने इतना बड़ा विष पी लिया और आपको कुछ नहीं हुआ। बाबा ने कहा ये इसमें क्या बात है, इसमें क्या खास बात है, आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हमेशा राम नाम जपता हूं तो मेरे गले में राम है, और जब विष आया तो विष को मैंने गले में रोक लिया, क्योंकि वो तो उनसे बड़ा तो कोई योगी नहीं। बोले पेट में ले जाऊंगा तो मुझे जलन होगी, बाहर रोक लूंगा तो संसार जल जाएगा, इसलिए मैंने कंठ में धारण कर लिया, और कंठ में राम थे तो विष और राम जब आपस में मिले तो विश्राम हो गया, विष और राम मिले तो विश्राम हो गया, इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीय को। वो कालकूट विष उनके लिए अमृत हो गया और उनका एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की तो ये नाम की महिमा है। किसी ने पूछा कि बाबा एक बार नारद जी तो आप जानते ना भगवान की भक्ति को बढ़ाने का काम उनको करना है। श्रीमद् भागवत में नारद जी ने एक तपस्या एक प्रतिज्ञा की। महाराज जी उन्होंने कहा जब तक मैं भगवान की भक्ति को प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्थापित नहीं कर दूंगा बैठूंगा नहीं। चरे व्यक्ति चरे व्यक्ति, इसलिए एक जगह रुकते नहीं ना, वो लगातार चलते हैं। तो ये प्रतिज्ञा उन्होंने भागवत में की, तस्मिन त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अब ये भक्ति को बढ़ाना है तो भक्ति को बढ़ाने के लिए नाम की महिमा भी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो उन्होंने एक दिन माता पार्वती उनकी शिष्या है, बचपन में उन्होंने तो माँ पार्वती को तप का उपदेश किया था, तो माँ पार्वती उनके प्रति गुरु भाव रखती हैं। तो वो उनके घर गए, पूछा गृहस्थी ठीक चल रही है, बोले हाँ ठीक चल रही है। सारी बातें पूछने के बाद अंत में कहा पार्वती आपने कभी महादेव से पूछा कि वो गले में किसकी माला पहनते हैं, ये जो उनके गले में मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड है। अम्मा अरे भाई जब आप हो साथ में, माला का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे आपके पास बढ़िया एल्बम हो, अब उसमें किसके फोटो आप लगाए घूम रहे हैं साथ में। आजकल लोग फैशन में कई बार पर्स रखते हैं जेब में, तो पर्स में भी एक फोटो रहती है, ऐसे मोबाइल की डीपी पर भी फोटो रहती है। तो भगवान भोलेनाथ से पूछिए कि उनके गले में जो मुंडों की माला है किनके मुंड लटकाए घूम रहे हैं, जब इतने बड़े वैराग्यवान हैं। तो शाम को भोलेनाथ लौटे तो माँ पार्वती थोड़ा सा उनका मूड कुछ अलग था। तो भगवान शिव समझ गए, माता से पूछा कि लगता है नारद जी आए होंगे, बोले हाँ आए थे हमारे गुरु हैं। बोले क्या कह रहे थे, बोले वो कह रहे थे कि जरा पूछना कि गले में किसकी माला है। तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा के कहा पार्वती जी ये सब आप ही के पुराने चित्र हैं जो मेरे गले में लटकते हैं, क्योंकि जिस जिस जन्म में आपने जो जो रूप धारण करके मेरी सेवा की, आप तो हमेशा से मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन आपको फिर शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर शरीर छोड़ना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। तो वो जो आपका रूप होता है, वो जो आपका जन्म होता है, उसका सुमिरन बना रहे उसके लिए वो उस जन्म का भी एक फोटो में एल्बम में लगा लेता हूं, ये तो अनंत काल से चला आ रहा है।
तो माँ को बड़ा दुख हो गया। माँ ने कहा कि जब आप अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, तो क्या मैं अविनाशी नहीं हो सकती? चलिए जन्म तो मेरा हो गया, अब जन्म को तो मैं नहीं रोक सकती, जन्म तो हो चुका राजा हिमाचल के घर, लेकिन मेरी मृत्यु ना हो, मैं भी आपकी तरह अविनाशी रहूं और मैं सदैव आपकी अर्धांगिनी रहूं। भोलेनाथ ने कहा क्यों नहीं हो सकता, संसार में क्या असंभव है? लेकिन परमात्मा की कृपा हो तभी तो, उसके लिए कुछ अनुष्ठान करिए। पार्वती जी ने पूछा क्या अनुष्ठान करूं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूं? भगवान शिव ने कहा जितना फल सहस्त्रनाम का पाठ करने का होता है उतना फल एक बार राम नाम का होता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, रामरक्षा स्त्रोत का अंतिम श्लोक है। अच्छा कई बार आदमी इस पे भरोसा नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धावान होता है वो गुरु की वाणी में तर्क नहीं करता, ऐसे ही स्वीकार करता है। पार्वती को तो साक्षात श्रद्धा कहा गया है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। उनके मन में कितनी श्रद्धा है आप जानते हैं? उनके मन में इतनी श्रद्धा है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने 3000 वर्षों तक सूखी हुई बेलपत्री खाके तप किया, 3000 वर्षों तक। और जब सप्तऋषियों ने उनको भड़काना चाहा कि तुझे इस जन्म में भोलेनाथ नहीं मिलेंगे, तो इतनी श्रद्धा थी कि मां पार्वती ने कहा मैंने कोई टाइम फिक्स थोड़ी किया है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, एक जन्म की बात छोड़िए करोड़ों जन्म भी मुझे लेकर तप करना पड़े तो भी मैं विवाह करूंगी तो शिव के साथ, अन्यथा कुवारी रहूंगी। बरऊं शंभु न रहूं कुवारी, जन्म कोट लगे रगर हमारी। यह श्रद्धा है, जब इतनी श्रद्धा होती है तो श्रद्धावान लवते ज्ञानम, गुरु के दिए हुए ज्ञान का लाभ भी वही प्राप्त कर पाता है जिसमें श्रद्धा होती है। इतनी श्रद्धा मां पार्वती में, भोलेनाथ ने कहा और उन्होंने राम नाम में नृत्य करना शुरू किया और गोस्वामी जी ने लिखा सहस नाम सम सुन शिव वाणी, सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जे पिय संग भवानी, संग भवानी। जब भगवान शिव के मुख से सहस्त्र नाम के बराबर राम नाम सुना तो उन्होंने जो जप करना शुरू किया भगवान शिव के साथ राम नाम का, तो ये चौपाई अभी हमने गाई जपि जेई पिए संग भवानी। अब मैं देख रहा था कि बहुत कम लोग गा रहे थे, मेरा सबसे निवेदन है कि गाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां आप जो भी गाएंगे वो राग में गाएंगे। साधक नाम जप ही ले लाए तो हो ही सिद्ध अणिमातिक पाए, भगवान के नाम को यदि आप शास्त्रीय रागों में गाते हैं तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, तो आप गाइए। अगर पूरी समझ में ना आती हो तो कोई बात नहीं, आप मुंह खोल के ई कर दीजिए, हा कर दीजिए, कुछ भी मुंह खोल के बोलेंगे तो जो हमारे श्री हनुमान जी बैठे होते हैं कथा में वो डायरी में नाम लिख लेते हैं, हाँ गा रहे थे, वो कृपा जल्दी करते हैं, इसलिए गाने की कोशिश करिए। तो जैसे पार्वती माँ ने राम नाम का कीर्तन शुरू किया भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए कि माँ पार्वती के साथ नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते अर्धनारीश्वर रूप में आ गए, आधे शिव हो गए आधे पार्वती हो गए। ये राम नाम की महिमा। हर शे है तू हेरे हर ही ये भूषण दिए भूषण दिए को, अर्धनारीश्वर महादेव की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशी। ये राम नाम की महिमा। देखिए पूरे भारत की जो मिलिट्री है जितने सैनिक हैं वो सब आपस में राम राम बोलते हैं,
आप सेना के किसी व्यक्ति से पूछ ले, उत्तराखंड में तो हर गांव से लोग सेना में हैं, आप किसी सैनिक से पूछिए आपस में कैसे अभिवादन करते हैं, राम राम। मैं मथुरा वृंदावन से आपके बीच में आया हूं, मथुरा वृंदावन में प्रत्येक गांव का आदमी, पूरे ब्रज 84 कोस के क्षेत्र में जो हजार गांव हैं, उन सब के लोग आपस में राम राम कर कर ही प्रणाम करते हैं। काशी में चले जाइए, वहीं वहां भी जयराम जी, कोई भी कहीं मरेगा वृंदावन में मरेगा तो उसकी अर्थी के पीछे राधे राधे नहीं होगी, राम नाम सत्य है। काशी में मरेगा तो भी उसके अर्थी के पीछे राम नाम सत्य है, राम का नाम सर्वत्र है। इसलिए हम किसी की भी पूजा करते हो, किसी को भी इष्ट मानते हो, राम नाम हमेशा ले सकते हैं, राम राम हमेशा कर सकते हैं। जैसे मीराबाई किसकी भक्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन नाम जपती है राम का, चूंकि मीराबाई के गुरु कौन है, मीराबाई ने दीक्षा ली भारत के परम संत श्री रविदास जी से, जगतगुरु रामानंदाचार्य से दीक्षा देने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा मीरा मैं संत रविदास को कहता हूं, वो आपको दीक्षा देंगे। देखिए गुरु की जो दृष्टि होती है ना वो अलग होती है। मन में अगर जरा सा भी कोई भी अभिमान रह गया तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। और मीरा चूंकि भारत के सबसे उच्च राजपूत कुल की बहू है, सिसोदिया कुल की बहू है, मेवाड़ राजवंश की बहू है, इसलिए मन में उच्च कुल का अभिमान बिल्कुल भी ना बचे। इसलिए बिल्कुल जो जूता ठोकने का काम करते, जूता बनाने का, इस जाति में जन्मे परम संत श्री रविदास जी महाराज, उनके हाथ से दीक्षा दिलवाई। आज भी आपको संत रविदास जी की समाधि देखनी हो तो चित्तौड़ के किले में, हमने महाराज जी एक बार चित्तौड़ से काशी तक यात्रा निकाली थी संत रविदास जी की। और मीरा को उन्होंने राम नाम की दीक्षा दी, और मीरा भक्ति करती थी भगवान कृष्ण की और नाम जपती थी गुरु का दिया हुआ राम नाम का। और मीरा ने प्राप्त किया कि नहीं किया, आज 500 वर्ष हो गए, मीराबाई से लोगों ने पूछा था ना तो आपका कोई शिष्य है ना तो आपका कोई पुत्र है, आपका नाम कैसे चलेगा। मीरा ने कहा मैंने भगवान का नाम जपा है ना, नाम रहे गो नामते सुनो सयाने लोग, और मीरा सुत नहीं जाइयो शिष्य ना मुड़ो कोई, ना कोई मैंने शिष्य बनाया ना मेरा कोई पुत्र है, लेकिन मैंने भगवान के नाम को इतना जपा है कि वो नाम ही मेरे नाम को चला देगा। और आज मीरा का नाम चल रहा है देश की परम संत के रूप में, परम भक्त के रूप में। तो मीराबाई ने बहुत प्रसिद्ध नाम महिमा का भजन गाया है, आप सब भी उसको गाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक थी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक थी मेरे सद्गुरु, थी मेरे सद्गुरु, थी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक थी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक थी मेरे सद्गुरु। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म
जन्म जन्म क्या है? शरीर का। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। आत्मा का ना तो जन्म है और ना तो मृत्यु है। आत्मा तो कपड़े बदल रही है, इसलिए आत्मा का जीवन होता है और शरीर का जन्म होता है। तो आपका जो अकाउंट है वो बंद नहीं होता। जिस आत्मा का जो अकाउंट है भजन का, उसमें जो भी आप जन्म लेते हैं और जितना उसमें सत्कर्म और भजन करते हैं वो जमा होता जाता है। और जैसे ही आपकी पूंजी पूरी हो जाती है, आपका धन उतना हो जाता है, आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप जरा तो देखिए, आपको टेलीविजन मान लीजिए खरीदना है, मोबाइल खरीदना है। अब मोबाइल खरीदने आप मार्केट में गए, आपको ने कहा हम तो i12 लेंगे एप्पल का, और जेब में 20,000 रुपए, तो दुकानदार कहेगा भाई साहब जरा पैसे और ले आइए। जितना जिसका रेट है उतना पेमेंट किए बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे भगवत प्राप्ति भी करनी है तो उसके लिए भी आपको उतना धन इकट्ठा करना है जो आप भगवत प्राप्ति कर लें। उसके लिए सुमिरन का धन है, भजन का धन है। तो मीरा जी कह रही है, गुरु ने मुझे नाम का ऐसा धन दिया कि जन्मों जन्मों से जो मेरी पूंजी अभाव में चल रही थी, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई थी, वो पूंजी पूरी हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई, भव सागर पार हो गई। जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, भव सागर कर आयो, पायो जी मैंने राम रतन। धन जितना बांटेंगे उतना और बढ़ता जाएगा, ये खर्चे नहीं होगा, ना इसको कोई चुरा सकता है, ना इसको कोई लूट सकता है, और ब्याज भी बहुत है इसमें। बाकी बैंक में एफडी करने जाएंगे तो आजकल इतना कम ब्याज कर दिया कि लोगों ने एफडी कराना बंद कर दिया। सारे ट्रस्ट इसी बात से परेशान है, ब्याज ही नहीं मिल रहा, खर्चा कैसे चले, 6%, 5%, 7%। लेकिन भगवान के भजन में वो तो एक साल में दे रहे 7%, या रोज सभा को ना है, रोज 25% रोज। आप सोचेंगे इतना ब्याज कहीं होता होगा। हिंदुस्तान के लोग इतने गुरु हैं कि जो सीधे देश है ना, जिनकी बुद्धि सीधी है, जैसे हमारा थाईलैंड हुआ, इधर के जो लोग हैं बहुत सीधे, बहुत अच्छे। जहां जहां हमारे सन्यासी पहले गए, अगस्त ऋषि का जो जो क्षेत्र है सब बड़े सरल, वहां ये लोग पहुंच गए इधर उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वांचल, और वहां भाई साहब ब्याज का धंधा किया 10% रोज। महाराज जी महीना नहीं, रोज, यानी 100 रुपए उधार लो, 10 रुपए रोज दो। तो वो लोग सब इतने कर्ज में डूब गए पूरे के पूरे देश कि उनको क्या क्या कर्म करने पड़ रहे हैं अपने कर्ज को उतारने के लिए, तो खैर अलग बात है। लेकिन ये जो भगवान का भजन है इसका ब्याज प्रतिदिन सवा गुना है, इतना ब्याज कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए पूंजी को इकट्ठा करते चलिए। चोर न लूटे, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, खर्च न फूटे, दिन दिन पढ़त सवायो, आयो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो।
भगवान के नाम की पावन महिमा, ये रामायण में सबसे ज्यादा महिमा भगवान के नाम की गाई गई है। 9 दोहों में 72 चौपाइयों में, 72 का योग भी 9 होता है, 7 और 2 9, यानी पूर्ण जो महिमा है। और इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, जीवों के प्रति दया का भाव रखो, संतों की सेवा करो और नाम जपते रहो। नामे रुचि कलयुग केवल नाम आधारा, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलि नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का जितना नाम सुमिरन हो सके, इसलिए नाम महिमा की बहुत, नाम भगवान की वंदना गोस्वामी जी ने की है। आइए, नाम महिमा का जो सबसे बड़ा उदाहरण वो हुए भक्त शिरोमणि प्रहलाद। मेरे सामने जितने बच्चे विद्यार्थी बैठे हैं इन्हीं की उम्र के थे भक्त शिरोमणि प्रहलाद। इसी उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी का माहौल बदल दिया, यानी हिरण्यकश्यप की जो यूनिवर्सिटी थी, जो बच्चों को दैत्य बना रही थी, आसुरी संपदा की शिक्षा दे रही थी, उसको दैवी संपदा में परिवर्तित कर दिया प्रहलाद ने। उनके गुण का हजारों बच्चों पर प्रभाव पड़ा, हजारों बच्चों पर। तो प्रहलाद की जो भक्ति थी उससे उनके पिता विचलित हो गए। और प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ वो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें नाम की कितनी बड़ी महिमा है। नारद जी पहुंच गए, अब आप जानते हैं नारद जी तो, अब आप कभी कभी सोचते होंगे कि नारद जी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, यहां भी थे, वहां भी थे, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया ध्यान रखना, नारद जी मनुष्य नहीं है, नारद जी देवता है। उनको क्या कहा जाता है? देवर्षि। उनको महर्षि नहीं कहा जाता, क्या बोलते हैं? देवर्षि। और देवताओं की तो मृत्यु नहीं होती, देवता तो बूढ़े नहीं होते, देवता तो सदैव वैसे ही रहते हैं। तो नारद जी चूंकि देवर्षि हैं इसलिए वो सदैव, लेकिन देवर्षि होते हुए उनका संकल्प है कि मैं भगवान की भक्ति को बढ़ाऊं। तो हिरण्यकश्यप संसार का सबसे बड़ा असुरों का सम्राट, नारद जी हिरण्यकश्यप के यहां पहुंचे। उनकी पत्नी बहुत धर्मात्मा थी, नाम था कयाधु। उन्होंने पूछा कयाधु आपके कुल का उद्धार कैसे होगा? उसने कहा मैं भी यही सोचती हूं गुरुदेव कि मेरे पति कभी सत्कर्म नहीं करते, लगातार लगातार उनके द्वारा अत्याचार ही अत्याचार होता है, गायों पर, ऋषियों पर, साधुओं पर, वेदों पर, विद्याओं पर। गुरुदेव हमारे कुल का उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा अगर आपका एक संस्कारिक पुत्र हो जाए, एक पुत्र पूरे कुल को तार देता है, सोई कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज बिनीत। अगर किसी कुल में एक भगवान का भक्त जन्म ले ले तो अपनी कितनी पीढ़ियों को तार देता है। कयाधु ने पूछा वो कैसे होगा गुरुदेव? नारद जी ने कहा अगर आपका पति 100 बार भगवान का नाम ले। कयाधु ने कहा असंभव, हो ही नहीं सकता, मेरा पति तो भगवान को गाली देता है। नारद जी ने कहा नो प्रॉब्लम, गाली दिलवाओ, गाली में भी तो नाम ही लेगा भाई, भगवान का नाम आप कैसे भी ले। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, मंगल भवन अमंगल हारी, नारद जी ने कहा भगवान का नाम अपने पति के मुख से आप गाली के रूप में लिपवाइए, जैसे बिजली का नंगा तार, जैसे जितने यहां बच्चे बैठे हैं बिजली का नंगा तार अगर आप छुएं और गाली देके छुएं तो करंट मारेगा कि नहीं, और स्तुति करके छुए तो भी करंट मारेगा कि नहीं। सिर का दर्द हो रहा है आपको, सिर के दर्द की गोली आपने खाई,
तो भले ही वो गाली दे के खाई, चाहे हंस के खाई, चाहे रो के खाई, गोली पेट में गई, सर का दर्द खत्म। ऐसे भगवान का नाम चाहे जैसे भी आप लें, वो नाम लिया तो एक कर्म हो गया, उसका फल बन गया। जैसे अभी आपने यहां कथा सुन लिए, मान लीजिए 2 घंटे, तो भगवान का नाम सुन लिए, गा लिए, ये एक कर्म हो गया कि नहीं? आपने अपनी जिंदगी के 3 घंटे इन्वेस्ट कर दिए। ये 3 घंटे नहीं है, आपका जीवन है। 3 घंटे का जीवन गया, लौट के नहीं आएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका ये जो कर्म बना, इसका फल बनेगा कि नहीं बनेगा? नारद जी ने कहा गाली दिलवाओ, नो प्रॉब्लम। शाम को नशे में धुत हिरण्यकश्यप आया, उसकी पत्नी ने भगवान के नामों की महिमा गा, भगवान के जिस नाम की महिमा गाती थी उसी नाम को वो गालियां देता था। 108 गाली पूरी हुई, उसके बाद उसने अपने पति को शांत किया, प्रसन्न किया, और उसके बाद जो उसके बच्चे का जन्म हुआ वो प्रहलाद के रूप में हुआ। इतनी सुंदर चौपाई लिखी है, मैं चाहता हूं कि सब इसको गाएं। नाम जपत प्रभु की प्रसादु, नाम जपत प्रभु की प्रसादु। अभी अभी मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो ना दोहराएं, विद्यार्थी दोहराएं, देखते हैं कितना सुंदर दोहराएंगे। नाम जपत प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि। शिरोमणि माने भक्तों में सबसे ऊंचे, दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार किसके नाम पर मनाते हैं हम लोग? प्रहलाद के नाम पर। होली, होली सबसे प्राचीन है। ये दीपावली दशहरा तो ये अब के हैं सप्तम मनमंत्र के, त्रेता के हैं, वो तो प्रथम मनमंत्र के प्रथम सत्युग का है। प्रहलाद तो सृष्टि के साथ हिरण्यकश्यप हुआ है, सृष्टि के साथ। भगवान बारा है नहीं तो उसके छोटे भाई को हिरण्याक्ष को मारा, वो तप का, तप से होली मन रही है। किसकी याद में? प्रहलाद की याद में। अब लोग भूल रहे हैं क्योंकि मिलते समय प्रहलाद का नाम ही नहीं लेते। अंग्रेजी ऐसी दिमाग पर चढ़ गई कि जब होली मिलते हैं तो बोलते हैप्पी होली, हैप्पी होली। या तो होली मुबारक या तो हैप्पी होली। अरे प्रहलाद की जय बोले, होली की जब परिक्रमा करते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय बोले, आपस में जब होली मिले तो प्रहलाद जी की राम राम, प्रहलाद जी की बधाई, ऐसा कुछ बोले। तो कम से कम नई पीढ़ी के बच्चों को पता लगे कि प्रहलाद जी के नाम से होली है। उस बच्चे ने इतना भक्ति का प्रचार किया, मां के गर्भ से ही उसको ऐसे संस्कार मिले कि हिरण्यकश्यप ने उसको पहले समझाया, फिर धमकाया, फिर पीटा, मारा, फिर मारने की कोशिश की, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को। तब उसकी बहन ने, हिरण्यकश्यप की बहन ने अपने भाई को कहा कि यदि तू ऐसे मारेगा इस बच्चे को तो तेरी तो बड़ी बदनामी होगी, इतना बड़ा योद्धा, इतना कायर, बच्चे को ऐसे धोखे से मारा। अरे मारना तो ऐसे मारो कि ये भी मर जाए और आप भी भगवान के रूप में स्थापित हो जाए। तो होलिका ने जो स्कीम बनाई, बड़ी परफेक्ट स्कीम, होलिका ने कहा कि मैं, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं अग्नि में जलती नहीं हूं, मुझे कोई अग्नि नहीं जला सकती। अब होलिका को क्या पता था कि ब्रह्मा जी के भी बाप बैठे हैं, जो ब्रह्मा जी ने अग्नि बनाई है उनसे ज्यादा दिव्य अग्नियां उनके पास, मालिक तो वही है ना, मालिक साहब, जो ब्रह्मा जी के भी मालिक हैं, अखलम विश्वम यन माया वशवर्ती। तो उसने कहा ऐसा करते हैं भैया, जितने भी चैनल हैं सब पर डायरेक्ट टेलीकास्ट कराते, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होगा और स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा होगा, और आप घोषणा करना कि अग्नि परीक्षा होगी। ये प्रहलाद कह रहा है कि वो इसके विष्णु भगवान है और हिरण्यकश्यप इधर भगवान है, आपका मंत्री जब घोषणा करेगा अग्नि में मैं बचूंगी, वो जल जाएगा, लोग आपको भगवान मान के पूजा करेंगे। स्कीम तो अच्छी थी।
लेकिन राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आदमी कई बार पोस्ट मिलने पर सोचता है आई कैन मैनिपुलेट एवरीथिंग, मैं जो चाहूं वो कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अगर ऐसा ही होता होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति अगले चुनाव में क्यों हारता, वो तो सबसे बड़ी पोस्ट पर है। उसने जीतने के कितने प्रयास किए, बेचारा भागा भागा आया, मोटेरा स्टेडियम में भी आया खुश करने, कहां जीत पाया। भगवान जिसको जितने दिन रास्ते लग लिखता है उतने दिन होता है। अग्नि जलाई गई, उस पर होलिका बैठी थी गोद में प्रहलाद को लेकर, और हिरण्यकश्यप ऐसे देख रहा था। जैसे अग्नि जलाई गई लपटें धधकनी शुरू हुई, हिरण्यकश्यप घबरा रहा था, क्योंकि जो आदमी अंदर से चोर होता है उसे घबराहट अंदर से होती है। तो प्रहलाद की आवाज अंदर से आई, पिताजी दूर से क्यों देख रहे हो दूरबीन लगा के, पास आ जाओ ना। प्रहलाद ने कहा पश्चतात्मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर को निकट आकर देखो। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे अग्नि नहीं लग रही, तुझे गर्मी नहीं लग रही, तुझे लपट नहीं लग रही। प्रहलाद ने कहा राम नाम जपताम कुतो भयम्, राम नाम जपने वाले को भला भय कब लगता है। सर्वताप समनेक भेषजम, सभी प्रकार की अग्नियों के ताप को मिटाने वाली एकमात्र औषधि राम का नाम है, जो हलाहल विष की गर्मी को मिटा सकता है। ये अग्नि कौन बड़ी बात है। और थोड़ी देर में धधकती हुई अग्नि ने होलिका को राख कर दिया, और हंसता हुआ प्रहलाद बाहर निकला। और जानते हैं प्रहलाद के गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे उस स्टेडियम में, प्रभु हमारे प्रहलाद की रक्षा करना, प्रभु प्रहलाद की रक्षा करना। और जैसे ही प्रहलाद बाहर निकला, एकदम सोना जैसे कुंदन बन के निकलता है इस रूप में, उन हजारों विद्यार्थियों ने जयकारा लगाया, भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय। और वो जो होली की धूल थी, जो राख थी, उसको एक दूसरे के माथे पर तिलक किया। तभी से उस त्योहार को धूली बंधन कहते हैं। रंग तो उसमें बाद में मिलना शुरू हुआ है, वो धूल का त्योहार कहलाता है अगले दिन का। पहले गांव में लोग उधर रंग नहीं खेलते थे, वो अपने अंगोछे में धूल भरते थे और एक दूसरे पे धूल की पोटली मारते थे। मैंने देखा है धूल में कीचड़ में ऐसे मस्ती होती थी। हिरण्यकश्यप की नाक कट गई, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो होली की घटना हुई थी, इसको हो सकता है लोग ना माने, लेकिन अगर किसी को इसका प्रमाण चाहिए कि अग्नि में से कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हर साल ब्रज में यह घटना होती है, हमारे मथुरा में, मथुरा से 35 किलोमीटर दूर यमुना जी के तट पर एक गांव है फालैन। फालैन में प्रहलाद जी का मंदिर है, प्रहलाद कुंड है, और वहां के जो पुजारी जी के परिवार हैं उनमें से एक व्यक्ति हर साल एक संकल्प लेता है और 40 दिन उपवास करता है। 40 दिन का उपवास, उसमें भगवान का जप करता है, और 40वें दिन जब पूर्णमासी होती है, फागुन की पूर्णमा जिसमें होली जलती है, उसमें मुहूर्त निकाला जाता है कितने बजे होली की आग लगेगी, वो अखबार में छपता है पहले से, DM SSP सब उपस्थित, 1,00,000 लोगों का मेला होता है। और वो पुजारी जी उस दिन रात को वो दीपक जला के बैठते हैं और दीपक की अग्नि पर बार बार हाथ करके देखते हैं अग्नि की अनुमति कब है। तो अग्नि जब जलाना बंद कर देती है, यानी अग्नि जब गर्म महसूस नहीं होती आपकी त्वचा को, तब अनुमति मिल जाती है। और उस समय होली में आग लगाई जाती है, जिस समय वो अग्नि अनुमति दे देती है उस समय पुजारी जी कहते हैं अब अनुमति मिल गई, तो फिर होली में आग लगाई जाती है। और होली में आग लगते ही पुजारी जी केवल गमछा बांध कर, एक लंगोट बांधे हुए गमछा बांध के नंगे शरीर वो प्रहलाद कुंड में एक डुबकी लगाते हैं, और फिर जब तक आग धधक जाती है, इतनी ऊंची लपटें होती हैं आग की, दिव्य भयंकर लपटें, और काफी लंबा उसका वो होता है, यानी 19 कदम रखने पड़ते हैं उनको उसको पार करने के लिए। 19 कदम माने यहां से लेकर दरवाजा, इतना लंबा वो होता है। और वो पुजारी जी कुंड में डुबकी लगा के आते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं धधकती हुई अग्नि में, और बीचों बीच प्रवेश करते हैं और बीचों बीच पार निकलते हैं, और उनके शरीर का एक भी बाल नहीं जलता। लाखों साल से प्रक्रिया लगातार चल रही है,
बोले भक्त शिरोमणि प्रहलाद की। ये आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अपनी आंखों से। आप अपने मोबाइल पर भी डाल के देखेंगे फालन की होली, तो हो सकता है कि उसके फोटो आपको उसमें भी मिल जाए निकलते हुए। तो ये भक्त शिरोमणि प्रहलाद के जीवन में जो उनका जन्म हुआ वो किससे हुआ, राम नाम की महिमा से। उनकी मां ने उनके पति से, अपने पति से 108 बार भगवान का नाम लिपवाया और उसका प्रसाद प्रहलाद के रूप में आया। अच्छा, कौन मां बाप ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारी संतान अच्छी हो? अगर अच्छी संतान चाहिए तो घर में भगवान नाम का कीर्तन करिए। जिस घर में जितना अधिक कीर्तन होगा उसमें कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश क्यों करेगी? आखिर आप माध्यम ही तो बनते हैं, मां बाप संतान को लाने के माध्यम ही तो बनते हैं। बाकी कौन आत्मा प्रविष्ट होगी घर में, तो परमात्मा तय करेंगे। तो जैसा आपके घर का वातावरण होगा वैसा ही भेजा जाएगा, जैसी आपकी कमाई होगी जैसी आपकी पुण्याई होगी। तो आइए नाम की महिमा को एक बार, जैसे प्रहलाद जी ने पूरी दुनिया में राम नाम के हीरे मोती लुटाए, वैसे आप सब भी नाम की महिमा को आगे बढ़ाएं इस भावना के साथ। एक बार सभी विद्यार्थी फिर खड़े हो जाएं और खड़े होकर ताली बजाकर एक भजन मेरे साथ गाएं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जग का मेला दिन दो दिन का, जग का मेला दिन दो दिन का, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मेला दिन दो दिन में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय जय। गलतफहमी ना करें कि हम लोग कोई दौलत कमाने को मना कर रहे हैं, दीवानेपन की मना है, क्योंकि दीवानेपन में आदमी अंधा हो जाता है। जैसे सिकंदर, सिकंदर ने पूरे विश्व में आग लगाई, पूरे विश्व का संहार किया,
विश्व विजेता बना, लेकिन जब वो यहां से पिटकर गया हिंदुस्तान से, रास्ते में ही मर गया था। सोने के सिक्कों का ढेर था, लेकिन उसने अपने मंत्री को अंतिम समय अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी अंतिम यात्रा में मेरे हाथ छाती पर मत रखना, ऐसे निकाल देना। मंत्री ने कहा, महाराज परंपरा तो ऐसी है, छाती पर रखने की, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? सिकंदर ने कहा कि छाती पर रखने का मतलब है कि मैं संतुष्ट होकर जा रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि मैंने इतने लोगों को जो मारा, आज मुझे पछतावा हो रहा है, क्योंकि एक भी सोने का सिक्का मैं साथ में लेके नहीं जा पा रहा। तो देखिए, जो दीवानापन होता है उसमें क्या है कि आदमी सोने की लंका बना लेता है लूट लूट के, लेकिन अंत में क्या होता है? दुर्योधन ने राज्य के लिए क्या किया दीवानेपन में, कि मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, अंत में क्या हुआ उसका? तो हम जो दीवाने ना बने, बाकी अपना जीवन सहज रूप से जिए, खूब अच्छा कमाएं, खूब अच्छा खाएं, खूब अच्छा बच्चों का पालन करें, माया की गठरी जोड़ते चले, लेकिन माया की गठरी में भगवान की भक्ति को भी जोड़ते चले। दौलत के दीवाने सुनो हित ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुनो हित ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम, बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, चोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, चोर मचाऊं गली। भगवान के नाम की पावन महिमा। लेकिन ये नाम अपनी जीभ पर आ जाए, इसके लिए उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी जीभ को यशोदा मैया की गोद बना दो। अब आपको आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी जीभ को कौशल्या मैया की गोद नहीं बनवा रहे, उन्होंने कहा मेरी जीव को यशोदा मां की गोद बना दो। भगवान ने पूछा, यशोदा मां की गोद बना के क्या करेंगे आप? बोले, राक्षर के रूप में कृष्ण और माक्षर के रूप में बलराम जी, दोनों कृष्ण बलराम दोनों भाई मेरी गोद में खेलेंगे, यानी मेरी जीव पर खेलेंगे। तो बड़ी प्यारी चौपाई। जी है जसो मती हरिहल घर से, जी हजसो मती हरिहल घर
मंजू कंज मधुकर से जन मन मंजू कंज मधुकर से। चरण कमल को कहा कंज मधुकर से आपके चरण कमल बन जाएं भौरा और आपके भक्त जनों का मन बन जाए कमल। कलयुग के भक्तों में यानी गोस्वामी जी ने कहा हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने मन को आपके चरणों में लगा सकें। हमारा मन तो पता नहीं क्यों संसार में ही भागता है, लेकिन आपकी कृपा होगी तो आपके चरण कमल रूपी भौरा हमारे मन पर आकर बैठेगा तब हमारे कमल का विकास हो जाएगा, मन का विकास हो जाएगा। आप कृपा करेंगे तब होगा, हमारे बस की बात नहीं है। लोगों ने पूछा आपने अपने मन को यशोदा मैया की गोद क्यों बनाया, गोस्वामी जी ने कहा अगर मेरे हृदय में राम राज्य होता तो मैं अपनी जीव को कौशल्या मैया की गोद बनाता, क्योंकि जिस समय कौशल्या मैया की गोद में भगवान आए उस समय अयोध्या पर किसका साम्राज्य है, राजा दशरथ का। अच्छा दशरथ कौन है, जिनका दसों इंद्रियों पर कंट्रोल है, दशरथ। देखिए रामायण की बड़ी सुंदरता है कि रामायण के जो दोनों सुपर लोग हैं उन दोनों के नाम में दस लगा है। अच्छा आप खिलाड़ियों को देखिए, जैसे मेसी हैं, अभी मेसी ने अपना क्लब बदला है, बार्सिलोना को छोड़ दिया, फुटबॉल क्लब दूसरा ज्वाइन कर लिया। मेसी हमेशा दस नंबर की जर्सी पहनते हैं, यानी जो जिस खेल का सुपर स्टार होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में 10 नंबर की जर्सी पहनते थे और उसके बाद 10 नंबर की जर्सी अभी किसी को नहीं मिली। तो ये रामायण में 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले दो महापुरुष हैं, एक दशरथ और दशानन। और ये कमाल की बात है कि भगवान दोनों के घर जाते हैं, लेकिन दोनों के घर काम अलग अलग है, एक जगह विहार करते हैं एक जगह विनाश करते हैं। एक जगह दशरथ अजर बिहारी हैं और दूसरी जगह एक लखपूत सवालख नाती के साथ। तो दशरथ और दशानन का अंतर यह है कि दशरथ जी के जो दसों इंद्रियों का रथ, हम लोग भी तो हमारे भी तो दस इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां हम सबके अंदर भी तो है। तो जिनका दसों इंद्रियों पर मन पर कंट्रोल है पूरा, धर्म के अनुसार जिनका जीवन का रथ चल रहा है वो दशरथ है, और जिनकी दसों इंद्रियों के मुख खुले हुए हैं वो दशानन है। तो गोस्वामी जी ने कहा अगर मेरे मन पर राजा दशरथ का राज्य होता तो मैं कहता कि मेरी जीव कौशल्या मैया की गोद बन जाए, लेकिन मेरी बुद्धि पर तो कंस का शासन है, अहंकार का शासन है, दुर्गुण का शासन है, क्रोध का शासन है। और कंस के शासन में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं जेल में, वसुदेव जी और देवकी कहां है, जेल में। तो ये जो विचारों की जेल है, ये जो कई चीजें हमको पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, जिनसे हम छूट, अब कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, फंस गया उसके जंजाल में, कारागार में। अब ये जेल में भगवान का जन्म होता है, देखिए खुद भाई प्रकट कर पाला जेल। तो जब अंदर प्रकट होते हैं तो वसुदेव जी उनको यशोदा मां की गोद में छोड़ाते हैं रात में। तो कोई संत, वसुदेव जी कौन है, एक संत हैं, यानी कितने बड़े संत हैं वसुदेव जी, आप कल्पना करिए कि कंस का भरोसा वसुदेव जी पर है, यानी कंस के बारे में जीवन में क्या हुआ था, एक छोटी सी घटना है मैं सुना देता हूं, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। कि उग्रसेन के यहां जब कंस का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि तो साक्षात कलयुग है, ये तो बहुत पापी बनेगा, पूरे वंश को कलंक लगाएगा। तो उग्रसेन जी को ज्योतिषियों ने कहा कि इसे निपटा दो अभी, लेकिन मोह होता है ना बच्चे का, मोह मारा नहीं उसको, उसको एक लकड़ी के संदूक में बंद किया और वो जालीदार संदूक, और उसमें बहा दिया यमुना जी ने। अब यमुना जी मथुरा से आगे आगरा, आगरा से आगे इटावा जाती हैं, तो इटावा के पास बटेश्वर नाम का स्थान है, बटेश्वर, अटल जी का जन्म वहीं का था बटेश्वर। बटेश्वर बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ। तो बटेश्वर में ये उग्रसेन जी के एक परिवार के ही सज्जन वहां राज्य करते थे, पुराना यही परिवार था।
चंद्रवंश का ही यदुवंश का, सूरसेन जी शायद नाम था या जो भी नाम रहा, वसुदेव जी के पिता का जो नाम था वही, वसुदेव जी के पिता वहां के राजा थे। वो यमुना जी में सवेरे खड़े होकर गायत्री जप रहे थे और उनकी पीठ पर आकर वो संदूक टकराया, तो उन्होंने वो खोल के देखा तो इतना सुंदर दिव्य बालक, बहुत श्रेष्ठ, तो उनको लगा कि यमुना मैया का प्रसाद है, तो उन्होंने पाल लिया। पाला तो अब चूंकि राज चिन्ह तो पहने हुआ था बालक, राज चिन्ह पहना कर ही उसको बहाया था, तो समझ गए किसी राजकुल का ही बालक है। और ऐसा कई बार होता है कि कुंवारेपन में बच्चा जन्म ले लिया तो उसे लोकलाज के भय से वो कर देते, उन्होंने पाल लिया। तो वसुदेव जी और कंस एक साथ के बच्चे हैं, वसुदेव जी भी और कंस भी, तो दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती, एक साथ गुरुकुल में पढ़े, एक साथ मित्रता रही। बाद में नारद जी ने आके कंस को कहा कि तू तो उग्रसेन का पुत्र है, तुझे ऐसे ऐसे बहाया था, और कंस इतना बलवान हो चुका था कि जाके उसने सबको पटक दिया। कंस इतना बलवान था कि जिस समय कीचक का वध हुआ भीमसेन के द्वारा, तो दुर्योधन ने कहा कीचक को तीन चार ही लोग मार सकते थे, उसमें एक नाम कंस का भी लिया उसने, लेकिन कंस तो अब है नहीं। कंस बहुत बलवान था और मथुरा में कुश्ती का बहुत शौक है, मथुरा का बच्चा बच्चा आज से 30-40 साल पहले कुश्ती लड़ता था, लेकिन अब तो मोबाइल ने सबकी जिंदगी खराब कर दी। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, अब बच्चे कहां अखाड़े जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती जैसी बाहें हो गई, धूप बत्ती जैसी टांगे हो गई। आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत तेजस्वी हो, लेकिन मथुरा में भी मैं देखता हूं। तो कंस के पास पूरी पहलवानों की सेना है, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, भागवत में सब नाम आते हैं। तो कंस ने अपना मथुरा का राज्य प्राप्त कर लिया और अपनी चचेरी बहन जिसको वो बहुत लाड़ करता था उसका विवाह वसुदेव जी के साथ किया, क्योंकि वो बचपन से देखता था कि ये आदमी कभी असत्य नहीं बोलता। अच्छा जी, ये जो वैसे लोग होते हैं ना जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं, माफिया टाइप होते हैं, बलवान होते हैं, ये ऐसे लोगों का बहुत आदर करते हैं जो सिद्धांतवादी होते हैं, जिन्हें वो जानते हैं उनको आदर करते हैं हृदय से। तो कंस ने अपनी बहन की शादी वसुदेव जी से की कि सबसे चरित्रवान, सबसे योग्य, सबसे संस्कारित व्यक्ति है। लेकिन जब विदा करा के ले और इतना सम्मान किया कि स्वयं ड्राइव किया गाड़ी को, जब कोई बड़ा आदमी आपको सम्मान देता है तो आपकी गाड़ी को स्वयं ड्राइव करता है, यानी अपनी बहन को विदा कराने के लिए कंस ने रथ को स्वयं हाँका। लेकिन तभी तो आकाशवाणी हुई कि जिसको तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है इसी का आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा, तभी तो कंस ने तलवार निकाल ली, बोले ये बहन के कारण मैं मरूंगा, इसका बच्चा ही नहीं होगा अगर ये मर जाएगी तो। वसुदेव जी ने कहा तेरी दुश्मनी बहन से कि बहन के बच्चे से, मैं तेरा मित्र हूं, तुझे बचपन पे मुझ पर भरोसा है कि नहीं, बोले हाँ आप पर भरोसा है, तो मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी मेरी मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा मित्र मरे, तो मैं वचन देता हूं कि आठवां जो पुत्र होगा वो मैं तुझे सौंप दूंगा, तू मार देना उसको, तेरे सामने ही, तू चिंता मत कर, जन्म लेने से पहले मैं तेरी कस्टडी में ही रखूंगा जिससे तुझे पता रहे। तो वसुदेव जी पर इतना भरोसा था कि कंस ने, और वो फिर आगे की घटना सब जानते हैं। तो कंस का साम्राज्य है, इसलिए वो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई संत अगर आपके संपर्क में आ जाए, वसुदेव जी जैसा दिव्य चरित्रवान कोई संत, तो वो यशोदा मैया की गोद में पहुंचा देता है। ऐसे संत के द्वारा कहीं से हमको भगवान का नाम मिल जाए, ध्यान करने की विधि मिल जाए, भजन करने की पद्धति मिल जाए, तो फिर वो भगवान का भजन जो बढ़ता है वो क्या क्या चमत्कार करता है आप जानते हैं, छठे दिन पूतना को मार देता है। यानी आपके जीवन में जहर घोलने वाली जितने भी कुसंग हैं उनको वो भगवान का नाम समाप्त कर देगा। आप जपना शुरू करिए, बस आप ध्यान की पद्धति शुरू करिए, कोई भी शुभ कर्म शुरू करिए, उसका ये असर होगा कि आपके आसपास जो आपके जीवन में कुसंस्कार देने वाले लोग हैं वो दूर हो जाएंगे। और जैसे 6 महीने के हुए तो शक्टासुर खत्म, 1 साल के हुए तृणावर्त खत्म, फिर तो धेनकासुर, वत्सासुर, बकासुर, अगासुर, लगातार 10 विकेट गिरे और 11वां विकेट कंस का गिरा। 12 साल अगर कोई साधना कर ले, 12 साल किसी भी विधि की, ध्यान की, योग की, यज्ञ की, जप की, तप की, कोई भी साधना,
12 वर्ष का तप काल होता है, इसलिए 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। 12 ही राशियां हैं, 12 ही हमारी राशियां, 12 ही महीने हैं। साइंस के कण भी 12 हैं, मूल कण, ज्योतिर्लिंग भी 12 हैं। तो 12 साल की साधना हुई यशोदा भैया के यहां और कन्हैया ने कंस को मार दिया। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर मेरी जीभ पर भगवान का नाम आ जाए और मैं हे प्रभु अगर 12 साल आपका नाम जप लूं तो मेरी बुद्धि पर जो कंस शासन कर रहा है वो समाप्त हो जाए और धर्म का शासन प्रारंभ हो जाए। बोले हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, ये भगवान नाम की महिमा है। तो ये भगवान नाम की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं और ये नाम हमारी जीभ पर स्थापित हो ऐसा प्रयास करिए। देखिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, मैं आप सब लोगों को नहीं, अलग से टाइम मिलेगा क्या नाम लेने का? आप किसी से पूछिए, लोग कहेंगे साहब मरने की तो फुर्सत नहीं है, आप नाम की बात कर रहे हैं। हालांकि फेसबुक देखने की फुर्सत है, व्हाट्सएप की भी फुर्सत है, टेलीविजन देखने की भी फुर्सत है, अखबार की भी फुर्सत है, नाम जपने की फुर्सत नहीं है, ध्यान करने की फुर्सत नहीं है, यज्ञ करने की फुर्सत नहीं है। तो ये नाम को काम के साथ जोड़ना। मान लीजिए वॉकिंग करनी है तो वॉकिंग करने में क्या करना? हमारे छत्तीसगढ़ के स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी, वो भगवान के परम भक्त, वो जब वॉकिंग करते थे तो भगवान नाम के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वो कदम ताल के साथ उस जप के लय को मिलाते थे। प्राणायाम बहुत करते थे तो प्राणायाम करते समय भी इधर से सांस खींचे तो श्री राम जय राम जय जय राम, सांस रोके तो श्री राम जय राम जय जय राम, सांस छोड़े तो श्री राम जय राम जय, मन मन में। अब मान लीजिए माताएं झाड़ू लगा रही हैं अपने घर में, तो झाड़ू लगाते समय जीभ से तो कुछ नहीं करना, तो भगवान के भजन के साथ झाड़ू लगे। अब चावल बीनने हैं तो भगवान के भजन के साथ चावल बिने, लौकी छीलनी है तो उसमें क्या फर्क है? श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जो भी नाम आपको पसंद हो। मान लीजिए आटा गूंथना है तो उसमें जरा जोर लगाने का काम है तो साथ में हनुमान जी, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम, जो भी नाम लेना हो। नोट गिनने सबसे ध्यान से आदमी, लोग कहते मन नहीं लगता नाम लेने में, तो मैं उनसे पूछता हूं नोट गिनने में मन लगता है? 10 रुपए की सड़ी हुई गड्डी को भी आदमी 2 बार गिनता है कि कहीं एक नोट ज्यादा ना चला जाए। तो नोट गिनने में नाम का, राम का नाम जोड़ लो, राम एक राम। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चून, पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। डाबर लाल दंत मंजन, ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़ें, मजबूत दांत। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। डाबर लाल दंत मंजन, ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़ें, मजबूत दांत। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। हर
हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, 250 acres कैंपस, 220+ प्रोफेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम, 20,000+ स्टूडेंट्स, गिव विंग।